टुडे, कुछ जवाब नहीं देना चाहता कोई बात नहीं we'll अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन एक तो पहली जब सेशन हुआ था अभी इस चैनल पे तो बीस पच्चीस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे आके बोला था सर इसमें आप बता तो रहे हैं हाउ टू डू इट वट टू बी रिटर्न लेकिन अगर आप एक आंसर फॉर्मैट में हमें प्रोवाइड कर सकते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प होगी और उसी को करते हुए आंसर प्रोवाइड uh, करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी चीज यह है कि अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा था जिसने एक्चुअली हमें uh, अच्छा मैं हूँ हुआ क्या था 2022 का जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स था अब uh, बिकॉज मैंने उस टाइम पे नहीं दिया था सो आई वाज हेल्पिंग माय हाउस एंड माय कजन एंड एवरीथिंग प्रिलिम्स के लिए कि सर क्लियर कैसे करना है व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आर व्हाट द सोर्सेज एंड एवरीथिंग अब व्हेन माय कंटेंट राइटर सर्चिंग फॉर दिस कंटेंट एंड एवरीथिंग एंड वी वर डिस्कसिंग तो एक चीज नोटिस हुई कि एक क्वेश्चन था इस साल 2022 में जो आया था वो था इंडियन आर्म्ड फोर्सेज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन और हमें एक बहुत ही यूजफुल चैनल एक मान वहाँ पे हमें इसका मिला। के जरूर ऐसा ही है, जो हमने में भी हमने किया है कि कहां से पूछे जाते हैं, कौन से सबसे होते हैं जहां से वो डायरेक्टली साइंस के क्वेश्चन और हिस्ट्री के क्वेश्चन उठाते हैं फिर हमने थोड़ा सा ब्रेन किया एंड वी केम टू कंक्लूजन अब जो भी बैच वाले हैं उनको आई विल प्रोवाइड दिस क्या है कि हम लोगों ने नोटिस किया है कि uh, एक पैटर्न है यूपीएससी का इस सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर टू के लिए तो अभी क्योंकि हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का जब ऐसे राइटिंग की वहां तैयारी करेंगे तब मैं वहां आपको बताऊंगा कि कौन सी कौन सी वेबसाइट है और टॉपिक्स जो उस टाइम पे नेशनल इश्यूज चल रहे थे उनके जैसे ही हम मेरेटोरियल चेक कर रहे थे तो या तो सब हेडिंग में या दी एंटायर हेडिंग वाज डिटो कॉपी जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में सीधा कॉपी पेस्ट पूछे गए थे नेशन वन इलेक्शन के अगर uh, एडिटोरियल्स आते हैं तो सीधा लिखा नहीं आता है one nation, one election, उसको एक अलग तरीके से टाइटल दिया जाता है वैसे ही मैं एग्जाम्पल uh, की तरह बता रहा हूं कि इशूज को डायरेक्टली वहां से उठाया गया है उन एडिटोरियल से चल वो नेशनल इशू ही रहे थे जो न्यूज में थे लेकिन आप टॉपिक समझ रहे थे एक सर्टेन लेकिन किसी और तरीके से नाम दिया था उसको आ, एडिटोरियल में और वहीं से सीधा कॉपी करके पेश किया हुआ था यूपीएससी ने आ, पूछने के लिए तो यही ब्रेन हम लोग अपनी जारी रखेंगे और 20 से 25 दिनों में जो भी नेशनल इश्यूज सबसे ज्यादा बढ़ के आ रहे थे ठीक है और अभी भी चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग जितने भी रिपोर्ट्स और डेटा आए हैं विल गो थ्रू दैट और जो भी लगता है हमें कि यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक फॉर द एग्जाम बिकॉज प्रेपरेशन तो हम करते रहेंगे सीखते भी भी रहेंगे लेकिन एक क्लैरिटी ऑफ थॉट हमें ये ये मिल जाएगा कि यार यूपीएससी शायद ये भी पूछ सकता है तो नेशनल इश्यूज को पूरा ब्रेन करके हम लोग ढूंढेंगे कि कौन से कौन से किस किस तरीके से उसके बारे में पूछा जा सकता है और यूपीएससी किस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज कर सकता है तो ब्रेन करते रहेंगे हम और एक क्वेश्चन की वजह से आज ये सिलसिला शुरू होगा

नहीं सर ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा ओके okay. तो आई थिंक एक बार कॉल uh, से बाहर जाके हाँ जी कर लिया हमने। कॉल से बाहर जाके वापस आएंगे ठीक हो जाएगा तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज वो है व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स अच्छा अब ये क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन इतना ज्यादा जेनेरिक क्वेश्चन है कि जब आप पेपर वन की भी तैयारी कर रहे होते हैं सो यू गो थ्रू ऑल दिस आप इस नजरिए से नहीं सोचते हो लेकिन हमने नोटिस किया है कि बहुत बार एडिटोरियल्स में भी कहीं ना कहीं सजेशंस आते हैं कि ऐसे इशू हो सकते हैं एंड इट कैन लीड टू वॉर या बहुत बार डिफेंस बजट जब बढ़ाती है सरकार तो उसके बाद ऐसी चीजें निकल के आती हैं कि ये मिलिट्री बजट को और इस सब को हमें कंट्रोल करना जरूरी है ठीक है तो ये सारी चीजों को देखते हुए ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है आपसे आई नो कि एग्जाम हॉल में बैठ के ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेचीदा लग सकता है और आउट ऑफ सिक्स क्वेश्चन में definitely आप सबसे पहले इसको चूज नहीं करोगे क्योंकि uh, मतलब आप रिकॉल नहीं कर पाओगे जो भी आपने पढ़ा है ठीक है अच्छा दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो इतने ज्यादा जेनेरिक क्वेश्चन हैं बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपकी सारी जितनी भी आपने पढ़ाई की है और अगर आपने आर्ट ऑफ राइटिंग सीखी है तो उसको चेक करने के लिए उस नॉलेज को चेक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि एग्जाम हॉल में आप एंशियस हो सको और ये यूपीएससी का स्टाइल रहा है वी ऑल नो दिस तो हम कंसेपचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलते हुए और जो यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है कि कैसे आप ऐसे लिखोगे अप्रोच करोगे वो भी दिया हुआ है पॉइंटर वाइज तो आपको पैराग्राफ में लिखना है और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर पैराग्राफ एक पैराग्राफ दो कैसे लिखना है क्या होता है ना कि हर पैराग्राफ का एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है जैसे ही कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट तो आप उसको एक ही पैराग्राफ में कवर करोगे वन टू थ्री फोर लिखकर पॉइंट में नहीं डालोगे और डिफरेंट पैराग्राफ यूज नहीं करोगे वेन यू आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ वॉर्स तो भी आप उसको एक ही पैराग्राफ में डालोगे क्योंकि तो कॉन्टेक्स्ट सेम है टॉकिंग अबाउट दूशन ऑफ वर्ड्स और किस तरीके से वर्ड हुए सारी चीजें चेंज हुई है तो इस तरीके से आपको पैराग्राफ्स रखनेग्राफ एक एक के लिए उसको चेंज नहीं करना है आपको जैसे ही नया कॉन्टेक्स्ट आए आप उसके एडवांटेजेस uh, के बारे में बात कर रहे हैं तो राइट इट इन अंगल पैराग्राफ डू नॉट राइट इन पॉइंट दिस इज नॉट आंसर राइटिंग दिस इज ऐसे राइटिंग ठीक है जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिगिनिंग होगी जितनी स्ट्रॉन्ग आपका एंड होगा उतना ही ज्यादा इंपैक्टफुल आपका आंसर होगा लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू बीच की जो चीजें हैं बहुत सारी क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जैसे अगर उन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जो नेशनल न्यूज थी तो ऑलमोस्ट सभी के आंसर सेम होने वाले हैं बट द वे यू पुट इट द वे यू स्टार्ट इट वो बहुत इंपैक्टफुल हो सकता है आपका कि आप स्टार्ट और एंड उसे कैसे करते हो तो आज मैं अनाउंस करने वाला था कि जो लोग भी पेपर टू के आई बी एस सी आईओ का या सी ए पी एफ पेपर टू का या फिर आ, जो हमारा सी एस आई आर के जो डिस्क्रिप्टिव बैच चल रहे हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाए दे पाएर टू स्टे आउट ऑफ इट नो इशू मुझे पता है कि यू हैव बीन फाइंडिंग सम कॉन्टेंट और कॉन्टेंट जो है एक जगह मिलता नहीं है वो बहुत बड़ा इशू है तो ये टारगेट आई बी एग्जाम्स पे ही फ्री क्यों ये सारा कॉन्टेंट आपको जितने भी नेशनल न्यूज है बहुत ही सजीग तरीके ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको टॉपिक दे दिया कि इस पर लिख लो नहीं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस सेम टॉपिक से किस किस तरीके से और क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कॉन्टेंट फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है आप उसको यूज करके आंसर uh, लिख सकते हैं एंड आई होप इट हेल्प यू पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है कोई भी एग्जाम से बाहर नहीं है नॉनसेंस बातें करते हैं लोग के सर न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी कोई भी एग्जाम न्यूक्लियर एनर्जी सीधा डायरेक्टली नहीं पूछेगा एसएससी का एग्जाम नहीं है ये एक टाइम पे पूछते थे डिस्क्रिप्टिव पेपर में वो वो क्या पूछेगा कि क्लीन एनर्जी के ऑल्टरनेटिव क्या हैं या क्लीन एनर्जी एंड इंडिया नेट जीरो विजन ऐसे पूछेगा सवाल वो वो एक अम्ब्रेला सवाल पूछता है डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है तो इसी तरीके से हर टॉपिक को एक बड़ी अम्ब्रेला के अंदर सोचना और उसके बाद फिर वो कंटेंट पीडीएफ्स में प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में टॉपिक्स भी दिए जाएंगे कि जिस पे आप आराम से अपने आंसर्स लिख सकते हैं और कंटेंट यूज करके अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं तो ये चालू कर रहे हैं हम इसी चैनल पे और सी पेपर टू आई बी ए और सी एस आई आर एस ओ एसओ उन सब के एग्जाम के लिए अगर आपको प्रिपरेशन से बाहर ढूंढना पड़ रहा है बहुत ज्यादा और आपको बैच नहीं ज्वाइन करना तो ये आपको हेल्प करेगा एक हद तक ठीक है आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो बैठ के एक जगह से और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है कोई फालतू की चीज़ नहीं है उसके अंदर

याद आ रहा है कलिंग वॉर उसके बाद फिर बुद्धिज्म उन्होंने वो कर लिया था वहां से लेकर वर्ल्ड वॉर टू तक जो अभी सबसे बड़ी वॉर्स चल रही थी इतने लंबे वक्त तक वॉर्स का सिलसिला चलता आया स्टेट सिस्टम तो था नहीं स्टेट सिस्टम नहीं था नॉट डिमार्केटेड मेरी कंट्री है बॉर्डर ये ये है हमारा अब वो बॉर्डर्स इतने फ्लेक्सिबल हुआ करते थे थोड़े दिनों में पता नहीं चलता कि वो दूसरा बॉर्डर भी आपने, आ, अपना sitting, है हमारे पास डेमोक्रेसी में लोगों का विल है और विल के हिसाब से ही पॉलिटिशियंस इलेक्ट होते हैं और उन्हें ध्यान रखना है कि अपने पांच साल के दौरान वो ऐसा कुछ ना करे कि आगे उन्हीं के इलेक्शन में इशू हो तो आज डायरेक्टली वॉर्स पर नहीं उतर सकते लेकिन कलिंग वॉर से वर्ल्ड वॉर टू तक हमने देखा था कि यार धीरे धीरे ये वॉर्स इतनी ज्यादा बड़े बड़े लेवल पर चलती गई कहा वर्ल्ड वॉर वन में सिर्फ कॉम्बैट वॉरफेयर नीचे हो रहा था सिर्फ लैंड के ऊपर उसके बाद कैसे बॉम्ब न्यूक्लियर वॉरफेयर पे चले गए हम लोग तो उस तरीके से ये चला अंटिल वी डिस यूनाइटेड नेशन नाइनटीन फोर्टी फाइव में हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब वी नीड टू पुट एन एंड ऑन इट ठीक है अब क्योंकि ये जो आ, वॉर्स के बारे में है एंड यूनाइटेड नेशंस नेशन मेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पीस तो हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी थोड़ी बातें करें कि क्या यूनाइटेड नेशंस सच में कुछ कर पाया इतनी सारी चीजें चल रही हैं रशिया यूक्रेन का चल रहा है इस तरफ ठीक है रशिया एंड यूक्रेन देखने को मिलेगा आपको साथ में आपको नीचे यमन का देखने को मिलेगा यमन ओमान सीरिया इस वाले एरिया में फिर उसके बाद इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा तो इतने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि यूनाइटेड नेशंस ने बहुत हद तक कोशिश की है कुछ करने की अफकोर्स टीथलेस है यूनाइटेड नेशन द इशू इज is वहां पर सिर्फ टेबल टॉक्स हो सकती है डायलॉग्स हो सकते हैं है, वो एनफोर्स नहीं कर सकती कि पीछे हो जाओ नहीं तो हम लड़ने आएंगे ऐसा नहीं होता इसीलिए यूनाइटेड नेशन डू नॉट है स्टैंडिंग आर्मी समझो इस बात को कॉन्सेप्ट समझो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स और पीस कीपिंग फोर्स में सबसे बड़ा जो योगदान है वो इंडिया का है आप जानते हैं ठीक है अब क्या बोल रहे हैं द यूजल स्ट्रेटेजी सजेस्टेड बाई पोलिटिकल साइंटिस्ट एंड इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट यूजल स्ट्रैटेजीज क्या बताते हैं प्रिवेंट करने के लिए वॉर को कि आर्म्स पे कंट्रोल डालो एंड डिप्लोमेसी पे आगे बढ़ो पहले डिप्लोमेसी नहीं होती थी पहले इट वॉज ऑल अबाउट आर्म्स बनाए जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और इन्वेजन कर रहे हैं। लेकिन ये है, 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 आप जानते हैं कि बहुत ही इफेक्टिवनेस उसकी हम बोल नहीं सकते हैं। के, के, आ, सच में इतना काम हुआ भी है नहीं। इन से आगे बढ़ के भी द रूट्स ऑफ वॉर मस्ट ऑल्सो बी एड्रेस्ड सिर्फ इन स्ट्रैटेजी से आप वॉर होने के बाद या वॉर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आर्म्स कंट्रोल है आर्म्स बनाने की वो जो है उसको रोकने से बेहतर आप रूट्स ढूंढो उसकी कि रूट्स को एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है ठीक है वॉर इज अ सोशल एंड नॉट बायोलॉजिकल फिनोमिन एंड अराइजेस फ्रॉम डिसीजंस बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडर्स to go to war political and military leaders बात करते हैं वॉर पे जाने के लिए लेकिन देखा जाए तो ये एक सोशल फिनोमिनन है एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन तो है नहीं अब आपको पता है कि वी ह्यूमंस हमने हमेशा क्या किया है कि वी हैव ऑलवेज फाउंड अ वे टू मेंटेन पीस ये हमारे क्योंकि क्या है ना कि ह्यूमंस हो या कोई भी लिविंग बीइंग हो ठीक है आखिरी में द ओनली थिंग दैट दे आर इंसिस्टेड अबाउट या फिर उनको लगता है कि यार ये चीज तो करनी ही है वो क्या है अपना सरवाइवल मैं आपसे पूछूं कि एक ह्यूमन को सर्वाइव कर ह्यूमन के लिए सबसे बड़ा लाइफ में क्या वो है मोटो तो आप बोलोगे सर पैसा नहीं नहीं द फर्स्ट थिंग इज सर्वाइवल तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को लेकर हमें हमेशा वो पीस चाहिए ताकि ये सर्वाइवल जो है हमारा वो उसमें ना आए में ना आए देर इज एन एम्पल एविडेंस दैट डिसीड अ अंपनीज मेनी ऑफ दीज डिस ठीक है पीछे डिसीड uh, जो है किस तरीके से बेवकूफ बनाना धोखा देना उसमें हमने देखा है एज लीडर्स गो टू मेनी वॉर्स फॉर लेस देन नोबल पर्पसेस बोलते हैं जैसे uh, रशिया का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा ठीक है कि रशिया ने बोला कि हमें यूक्रेन को वो करना है इन्वेड करना है लेकिन एक्चुअली ये नोबल पर्पस के लिए बोला जाता है लेकिन एक्चुअली ये जिस पॉलिटिकल और मिलिट्री फोकस से जाते हैं लड़ने के लिए वो बहुत बार नोबल पर्पस तो नहीं होता है वो बेसिकली किसी तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है या फिर अपने पावर को ठीक है वहां पर एग्जर्ट करने का एक तरीका हो सकता है एक हद तक ये सही भी है लेकिन सिटीजन मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू क्वेश्चन भी देखा था और उससे पहले जब जापानी हमला करना था नाइनटीन एटीन के आसपास बाई अमेरिका तब भी ऐसा हुआ था द सोसाइटी वॉज नॉट विलिंग टू डू इट बिकॉज यूएस इज अ डेमोक्रेसी अब रशिया की तो बात नहीं करते वहां तो डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन यूएस वॉज अ डेमोक्रेसी तो दी पीपल ऑफ दी यूनाइटेड वॉर पे जाना चाहिए कि नहीं ऐसे तो हमारे जितनी भी हमने मेहनत की है सिविल वॉर के बाद वो सारी खत्म हो जाएगी क्योंकि रिसोर्सिस बहुत जाते हैं आखिरी में किसको होगा इन दी एंड किसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा जो वहां सीट के ऊपर बैठा है उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगा क्योंकि आज का वो टाइम तो है नहीं कि आपके ऊपर कोई हमला करके आपको कब्जा कर लेगा और आपको जो है वॉर बिजनेस बना लेगा आज ऐसा तो नहीं होता आज क्या होता है कंट्रोल कुछ टेरिटरी ले लेते हैं और रख लेते हैं लेकिन आखिरी में जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है जो बहुत सारे सोसाइटल प्रॉब्लम्स है पोवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट वो आखिरी में आएंगे सिटीजन के पास तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है पहले तो हमने आर्म्स कंट्रोल लिया डिप्लोमेसी लिया थर्ड हमें क्या करना पड़ेगा कि सिटीजन को हमेशा रेडी रहना पड़ेगा टू क्वेश्चन यार क्या क्या रीजन है आपका वॉर पे जाने के लिए इसलिए हमारे साथ क्या होता है कि जब भी कभी पाकिस्तान के साथ हमारा इश्यू होता है तो सभी मीडिया चैनल्स और जो सोशल ग्रुप्स हैं वो बाहर आके बोलते हैं भाई ये तुम करने जा रहे हो फीजिबल क्या है यू कैन सी दिस इन दी गवर्नमेंट एजेंडा गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि वी आर नॉट गोइंग टू फाइट वॉर विद पाकिस्तान बिकॉज इकोनॉमिकली दे ट्राई टू डिस्ट्रक्टेल्व तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है बेसिकली तो लोगों को हमेशा अपना एक जो है आ, विल आगे रखना चाहिए और हमेशा एक क्वेश्चन रखना चाहिए कि क्यों और एक फ्री प्रेस बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर जो कि लोगों की बातों को पहुंचाता है उस तक गवर्नमेंट तक या गवर्नमेंट की बात पहुंचाता है लोगों तक अब बहुत सारे लोग ये टर्म यूज करते हैं यूपीएससी बड़ा ही ध्यान देता है इन चीजों पे आप बोलते हो कि मीडिया इज द ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल ऐसा नहीं है ब्रिज जो है वो हमारी सीधा का सीधा एनसीआरटीज में लिखा है जो ब्रिज कनेक्ट करता है लोगों को और गवर्नमेंट को दैट इज ब्यूरोक्रेसी मीडिया इज अ स्मूथ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। इन चीजों पे ध्यान देना जो भी लिख रहे हो ठीक है और एक विजिलेंस हमेशा फ्री प्रेस का होना चाहिए कि ये जो जो बोल रहे हैं कि जिस पे हमें वॉर करनी पड़ेगी जैसे 2003 में बताना भाई कौन सा वो प्रेसिडेंट था यूएस का जिसने बोला कि भैया हमें तो जाके वहां पे लड़ाई करनी पड़ेगी सीरिया इराक और इन सब इराक पे खासकर कौन बताएगा तो है तो 2003 का एक एग्जाम्पल है अगर आप जानते हैं ठीक है आई होप पता होता लेकिन चलो कोई इराक कैन पोटेंशियल इराक कैन बी अ पोटेंशियल एनिमी एंड एन ऑफेंडर फॉर यूएस इन द फ्यूचर इसलिए आज हमें उन्हें करना जरूरी है लेकिन ऑफकोर्स मिडिल ईस्ट में घुसने की उनका एक तरीका था वो कि वो जब तक नहीं कवर करेंगे और ईरान के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए इराक में घुसना जरूरी है ईरान के ऊपर कंट्रोल हुआ जहां पे वो गैस जो नाइनटीन नाइनटीज के बाद ईरान के अंदर बहुत सारा ऑयल मिला था और यूएस को समझ आ गया था कि आगे जाके अगर हमें अपनी एनर्जी को सिक्योर करने के रखना है एनर्जी सिक्योरिटी बरकरार रखनी है तो हमें ऑयल और गैस पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और आगे जाके ग्रीन एनर्जी का टाइम आएगा इराक एक ऐसा तरीका था जिससे वो मिडिल ईस्ट में घुस सके बहरहाल ये इंटेलिजेंस डिटेल्स uh, है ये आपको वहां देने की जरूरत नहीं एग्जाम में लेकिन आप एग्जाम्पल दे सकते हो सीधा का सीधा जैसे ही कभी कोई आर्ग्यूमेंट दोगे एग्जाम में तभी के तभी जब एग्जाम्पल दे दोगे इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट को बैक किया आपने एक एविडेंस के साथ एंड एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है कि आप ऐसे ही हवाई बातें नहीं कर रहे हो चाय की टपरी बैठ के ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे यू हैव अ सॉलिड रीजन फॉर सेइंग दिस ठीक है तो इसीलिए क्या है 2003 में जब इराक हुआ था तो प्रेस ने और लोगों ने बहुत हद तक एक विजिलेंस और सर्विलांस रखा और उसके बाद यूएस को कुछ टाइम के बाद फोर्स किया टू कम बैक टू यूएस टू कॉल ऑल द मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम बिकॉज़ दैट्स अज सिचुएशन ठीक है टू प्रिवेंट वॉर प्रेस एंड द पब्लिक मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू क्वेश्चन अजेंशन अबाउट द नेसेसिटी ऑफ वॉर पूछने के लिए के भाई क्या नेसेसिटी है वॉर की इसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए ठीक है द सेम रेडीनेस शुड अकर इन रिगार्ड टू मिलिटरिज्म एंड साइज ऑफ द मिलिट्री बजट अब आप जानते हैं कि यूएस के अंदर सबसे बड़ा जो उनका बजट जाता है वो मिलिट्री के अंदर जाता है हमारा मिलिट्री बजट अगर आपको याद हो इस साल का तो वो अराउंड सिक्स लाख करोड़ है इस फाइनेंशियल ईयर का अराउंड सिक्स लाख करोड़ है ये मैंने लास्ट टाइम बताया था इन चीजों को याद रखना रिकॉल करना आ, की आदत डालो रिविजन करते रहो ऐसे याद होनी चाहिए चीजें छह लाख ,00 करोड़ के आसपास का आपका डिफेंस बजट है किसका इंडिया का 2024 टू 2025 फाइनेंशियल ईयर का ठीक है एक लाख करोड़ के आसपास तक बढ़ाया गया है कुछ पंद्रह अब उसके बाद ये एक्टिविज्म कर रहे हैं वाइल एक्टिविज्म इज नो गारंटी ऑफ सक्सेस रिस्पॉन्सिबल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट वॉर एंड मिलिटरिज्म प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट वेहिकल इसका मतलब प्रोटेस्ट करना ठीक है फ्री स्पीच वाली डेमोक्रेसीज हैं आप आराम से प्रोटेस्ट कर सकते हो अगेंस्ट गवर्नमेंट ठीक है कि आप आप किस तरीके से वॉर पे जा रहे हो यू कैन एक्चुअली प्रिवेंट वॉर बाय डूइंग डूंगीज नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जब भी प्रोटेस्ट लिखोगे एग्जाम में इसलिए जानबूझ कर यहाँ पे वर्ड लिखवाया गया है नॉन वायलेंट हमेशा जब भी सजेशन दोगे फॉर प्रोटेस्ट इट शुड नॉट फील लाइक एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आप इंस्टिगेट कर रहे हो इसलिए नॉन वायलेंट हमेशा लिखना अपने आंसर में ये एक देता है, examiner, आप एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो कि आर्टिकल को भी करेगा, जितने ये morality, order, ये सारी हैं, उसके वो हो सकती हैं और आप एक अच्छे तरीके से उस प्रोटेस्ट का कुछ अच्छा अंजाम निकाल सकते हो इनटॉलरेंस ऑफ रिलीजन इज अनदर कॉज ऑफ वॉर बट द आयरन इज दैट ऑल रिलीजन इंटेंट टू स्प्रेड पीस आजकल जो देखा जा रहा है कि रिलीजियस बिगेटरी ठीक है इसके बारे में पिछली आ, कुछ दो तीन साल पहले क्वेश्चन आया भी था रिलीजन मतलब है, है, है तो रिलीजियस बिगेटरी की वजह से क्या होता है कि आप या फिर आप अल्ट्रा रिलीजियस होने की कोशिश कर दो तो उसके आपकी अंदर इंटॉलरेंस आती है दूसरे रिलीजन की तरीके से लेकिन आप हमेशा ही लिखोगे ठीक है बेशक आपके दिल को सच ना लगे मुझे पता है बहुत सारा YouTube पे आजकल कंटेंट आ गया है टू इंस्टिगेट पीपल टू गो अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज मैं जानता हूँ उस बारे में बिकॉज वी हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ दैट और हमने बहुत हद तक उसको uh, वो भी किया है वी आर ट्राइंग टू सप्रेस इट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सपरेट सप्रेस इट बहुत एनालिसिस कर रहे हैं चीज का YouTube पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स में तो इसलिए, आ, हमें पता है कि वॉट इज हैपनिंग ऑन द इंटरनेट लेकिन आप वो पर्सनल व्यूज प्लीज एग्जाम में मत लिख के आना बिकॉज एग्जामिनर वॉन्ट्स यू टू स्टे न्यूट्रल ठीक है इंटरव्यू uh, में भी न्यूट्रल रहना डोंट गो अगेंस्ट एनी कम्युनिटी तो इंटॉलरेंस को हटाना पड़ेगा क्योंकि एक अनदर कॉज ऑफ वॉर है और आपको लिखना है कि का जो काम है वो है प्रीच लव एंड इंटेंड टू स्प्रेड पीस जैसे आप बाइबल में देखेंगे या फिर आप गीता में देख रहे हैं तो यहाँ पे सारी जगह पे क्या लिखा होगा बेसिकली टू स्प्रेड पीस फाइनली एफर्ट्स टू प्रिवेंट वॉर मस्ट कीप इन माइंड द फैक्ट दैट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज और टू गो टू वॉर कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं जैसे आप ईरान एंड पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे सकते हैं शिया और सुन्नी वाला एग्जाम्पल ठीक है कि इसकी वजह से ही बेसिकली आप बहुत बार वॉर पे जा सकते हैं ठीक है <clears throat> तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से प्रेजिडिस होता है आपका किसी का अगेंस्ट अब जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल पाकिस्तान वॉर्स क्यों करता रहता है हिंदू कंट्री एंड देम एज अ मुस्लिम कंट्री तो इसलिए दे आर कंडक्टिंग वॉर्स ठीक है तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से भी आ सकता है ठीक है तो गवर्नमेंट्स uh, और सिटीजन जो है अब ये बोलने में तो बड़ा आइडियलिस्टिक लग सकता है लेकिन हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है और किसी की भी तरफ एक प्रेजिडिस नहीं रखना है हमें ठीक है कोई डिफरेंट रिलीजियस या डिफरेंट आइडियोलॉजी से आ रहा हो या डिफरेंट बैकग्राउंड से हो उसके खिलाफ वॉर करने का रीजन वो नहीं होना चाहिए ठीक है यू शुड ऑलवेज बी ऑन ऑफेंसिव साइड राधर देन बीग ऑन डिफेंसिव साइड

स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं ठीक है तो हमने कैसे बात करी हमने शुरुआत अब जैसे इस नोटिस करना कि कैसा किया हमने हमने सबसे पहले बात करी इंडिविजुअल लेवल पे ठीक है फिर सिटीजन लेवल या फिर आप मान सकते हैं सोसाइटी लेवल और उसके बाद फिर गवर्नमेंट लेवल एंड नाउ इंटरनेशनल लेवल ऐसे ही जाना होता है धीरे धीरे द सेम पोटेंशियल होल्स ट्रू फॉर एफर्ट्स टू इंक्रीज एडुकेशनल अटेनमेंट ठीक है आप जानते हैं कि एडुकेशन जो होता है कितना कारगर होता है इन सारी चीजों से दूर जाने के लिए रिलीजियस बिगेटरी आपकी सॉल्व हो सकती है प्रेजिडिस जो होते हैं लोगों के अंदर सोसाइटीज को के अंदर और कम्युनिटीज के लिए वो आप कम कर सकते हैं तो जितना एडुकेशन आप अवेयरनेस भी दोगे और एडुकेशन ग्लोबल कम्युनिटी में उतना ही जो जो है ये फीलिंग्स हैं टू गो टू वॉर ये सप्रेस होती रहेंगी ठीक है बिकॉज प्रेजिटिस जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता है जैसे ही एडुकेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई इंस्टिट इन कंटेंट राइटर टू एड दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज रिक्वायर्ड वेर कंट्रीज लाइक इंडिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है अब हमें यूनिलैटरलिज्म से मल्टीलैटरलिज्म तक जाने की जरूरत है क्योंकि यूनिलैट्रलिज्म में क्या होता है कि जो सेंट्रलाइज ऑर्डर्स होते हैं या हैं या सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग पावर्स होती है वो बहुत बार गलत हो सकती मल्टीलेट्रलिज्म में डाइवर्सिटी आती है डिसीजन मेकिंग में और डिसीजंस बेहतर तरीके से लिए जा सकते हैं तो जब मल्टी की बात हो रही है तो इंडिया कैन बी वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट पावर्स इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है बाय प्रोपोगेटिंग इट्स आइडिया ऑफ वासुदेव कटुब अब वासुदेव कटुंबकम का एग्जाम्पल आप कहां दे सकते हैं कि रीसेंट जी20 समिट में भी हम लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाया बाय सेइंग वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर ऐसे कनेक्ट करते हैं चीजों को कंट्रीज शुड बी कॉन्शियस इनफ टू कम ऑन यूनाइटेड प्लेटफॉर्म जैसे यूएन जो टेबल टॉक्स और स्मूथ डिप्लोमेसी फिर आगे बढ़ सकती है हमारी डिफरेंट जो आ, और वो है आ, एजेंसीज हैं जैसे जी ट्वेंटी है जी सेवन है ये सारे मिलकर एक्चुअली दे कैन क्रिएट यूनिटी ठीक है और जो है वॉर्स के लिए इसको अलग किया जा सकता है सिंस टाइम अननोन मैन हैज ऑलवेज एफर्ट्स टू स्टे पीसफुल एंड हैप्पी ये लिखने में गलती हो गई होगी शुरुआत से अब ये हम खत्म कर रहे हैं शुरुआत से कोशिश की है आदमी ने इंसान ने कि हमेशा पीसफुल और हैप्पी रहने की कोशिश की है वैसे ही नोबेल पीस प्राइज़ जो है ऐसे इनिशिएटिव्स एक बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है जो इंडिविजुअल एफर्ट्स जो होते हैं पीस को और हारमोनी को बरकरार रखने के लिए उनको प्रमोट करती है उससे क्या आता है देर इज अल इन एंथ्यूजियाजम अमंग्स द ग्लोबल सिटीजन्स कि हम और पीसफुल तरीके से आगे बढ़े पीस फैलाने की कोशिश करें ठीक है और नोबेल पीस प्राइज जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज है ठीक है वो इसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लोगों को आ, वो कर सकता है प्रमोट कर सकता है पीस को इन द सोसाइटी ठीक है मुश्किल लग रहा था स्टार्टिंग में आई होप आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग एक अच्छे आंसर के ऊपर आ पाए जो ये पीडीएफ है आई प्रोवाइडेड इन द बैच डोंट वरी आराम से पीडीएफ को देख लीजिएगा इफ एनी है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्यों पूछा आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के बाद से ही शुरू कर दिया था कि यार ये क्या आप जो है आ, कुछ ही टाइम के लिए टेम्पररी तरीके से या फिर बहुत ही छोटे रोल्स के लिए या सिर्फ आ, कुछ कुछ रोल्स के लिए विमेन को लेते हो उसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस में आपको और ज्यादा करना चाहिए परमानेंट कमीशन देने की जरूरत है उनको वो सब तो यूपीएससी को भी लगा कि ऑफकोर्स यार ये एक बहुत ही बड़ा इशू है ठीक है और इसके ऊपर आगे जो एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की हम बात कर रहे हैं इतने टाइम से सोसाइटी में नाइनटीन के बाद खासकर इंडिया के अंदर जब से मूवमेंट चालू हुई है तो जरूरी है हमें समझना कि वीमेन का रोल फिर सिर्फ आईटी कंपनीज या वहां नहीं देख सकते हम फिर वो हर जगह हमें देखना जरूरी है द रोल ऑफ विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया हैज बीन एक्सपैंड एंड टचिंग ग्रेटर हाइट्स विद ईच पासिंग डे धीरे धीरे क्या हो रहा है और चीजें विमेन को वहां पे और रोल मिल रहे हैं बेसिकली

डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज में चाहे वो सोशल होगा आप उसको यूज कर सकते हो कैसे द रोड टू जेंडर यूनिटी इन द अब यहां पर आप जो भी आपसे एग्जामिनर जिस तरीके का सवाल पूछेगा आप पूछ सकते हो स्टेल लॉन्ग बट द बैटल हैज बीन गन ऑन द राइट नोट इट्स अ वेरी होपफुल स्टेटमेंट समझिए इस बात को जब भी आप चाहे नेगेटिव टोन के अंदर हो आपका ऐसे uh, या पॉजिटिव टोन में हो आपको हमेशा अपनी अप्रोच होपफुल रखनी है पॉजिटिव रखनी है ऐसा नहीं हो सकता खत्म कर देंगे तबाह कर देंगे नस्ते नाबूद कर देंगे ऐसा नहीं करना है यू हैव टू शो दैट यू आर वेरी होपफुल फॉर दैट सिचुएशन तो होप दिखाने की कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट स्टार्ट के अंदर बीच में मुझे पता है आप लोग बहुत हरकते करते हो बीच में ये यह यहाँ पे ऐसे के अंदर लेकिन स्टार्टिंग में लेट्स बी वेरी होपफुल कि यार हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं और शुरुआत की है अच्छा शुरुआत से देखेंगे तो इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड मेनी इनफेमस वुमेन फ्रीडम फाइटर्स एंड लीडर्स सिंस टाइम मेमोरियल और बहुत अच्छा एग्जांपल लिख सकते हैं जो आ, हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 वहां पे झांसी से आपकी आ, रानी लक्ष्मीबाई थी और शुरुआत में भी हमें वेदा के टाइम पे भी बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं द फाउंडिंग ऑफ़ इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ये क्योंकि इन्होंने आगे ना वर्ल्ड वॉर वन में भी बहुत हेल्प बहुत सारा रोल प्ले किया था अपना तो शुरुआत में जो सबसे पहला स्टेप लिया गया था वो था इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एटीन वो एक टर्निंग पॉइंट था कि कैसे विमेन अपना रोल प्ले कर सकती है इंडियन आर्म सर्विसेज में अब मैं आपको पहले बता दूं आप जब जाओगे दूसरी जगहों पे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए तो वहां पे सिर्फ ये एग्जांपल दे रखे होंगे कि इस साल ये attempt, ये अटेम्प्ट इसने कमांड पकड़ा एग्जाम्पल लिखे होंगे इसमें सिर्फ कि इस साल इसने बटन पकड़ा एग्जामिनर आपसे नाम नहीं पूछ रहा है सबके क्या आप बता दो भाई कौन से कौन सी विमेन है जिनका एक इमर्जिंग रोल है इसमें इंडियन आर्म में वो आपसे एक अम्ब्रेला टर्म से पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी बता रहा हूं याद नहीं रहेंगे इतने के कि किस साल किस महीने में या रिसेंटली कौन किसने कमांड कहां पकड़ी आ, आ, सुरेखा यादव है क्या है वो आपको याद नहीं रहेगा दैट मी बी वेरी ऑनिस्ट विद यू तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है तो इंडियन मिलिट्री नर्सिंग, नर्सिंग सर्विस 1888 में एक टर्निंग था in में, जो 1950 का, उसने वीमेन को रोका था फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड टू रेगुलर कमीशन रेगुलर कमीशन हमारे आर्मी एक्ट नाइनटीन में नहीं देखा गया कॉम्बैट रोल जो होता है इंडियन आर्मी का ये बहुत टाइम से एक मेन के लिए रहा है डोमेन अब इसमें भी अभी जो देखा जा रहा है वो ऑफिसर पोस्ट तक के लिए देखा जा रहा है ऐसा नहीं है कि वो बॉर्डर्स पे खड़े होकर लड़ रहे हैं हाँ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अगर आप एयरफोर्स में देखोगे तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो फाइटर जेट्स को चलाने का काम ऑफकोर्स उसमें मिलेगा और बालाकोट में बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया था एक विमेन ने ठीक है लेकिन बॉर्डर पे उतर के वो करना बिकॉज समझिए इस बात को नो मैटर कितनी भी जीनीवा कन्वेंशन आ जाए कोई जानता है व्हाट इज जीनीवा कन्वेंशन डज एनी बडी नो अबाउट जिनेवा कन्वेंशन कोई जवाब देगा इसके बारे में हाँ जी सर जब भी कोई युद्ध होता है तो उसमें क्या कहते हैं जो भी मतलब एक दूसरे के जो सैनिक होते हैं उनको मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना होता क्योंकि वो अपने देश में हाँ वॉर क्राइम के ऊपर होता है जिनेवा कन्वेंशन ठीक है हाँ, अब कितने भी जिनेवा कन्वेंशन आ जाए लेकिन उससे जो आदत है ना ये वॉर uh, सर आप म्यूट uh, कर लीजिए तो, तो जितने भी हाँ जी तो ये जितने भी वॉर uh, प्रिजनेस बनाने का ये है आप इसको एक हद तक नहीं कंट्रोल कर पाओगे एंड दिस इज द फीलिंग ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन फोर्सेस कि वी डू नॉट वॉन्ट आर विमेन बी यूज्ड इन अ सर्टेन वे वॉर प्रिजनेस नहीं बनवाना चाहते हैं उनको तो 1950 में भी हमारा ये uh, वो था और देखो यार सीधी सी बात यह है कि वी ऑल नो फिजिकली मैन आर बेटर हाँ मैं जनरल बात कर रहा हूं ये नहीं कि आप किसी uh, कमजोर आदमी को खड़ा कर दो और विमेन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग विमेन को खड़ा कर दो और बोलो सर ये तो देखो आप मैं जनरली बात कर रहा हूं बिल्ट की बात कर रहा हूं ठीक है बिकॉज क्या है कि बिल्ट की वजह से क्या हुआ है बेसिकली कि शुरुआत में ऑफकोर्स मैनुअल लेबर था तो फिजिकल एबिलिटीज इंपॉर्टेंट थी आज टेक्नोलॉजी आ गई है ड्रोन को संभालना फाइटर जेट्स को संभालना ठीक है आ, और आ, बहुत सारे तरीकों से आप अलग अलग वेपन्स को यूज करते हो बेसिकली तो उसमें क्या होता है फिजिकल एबिलिटी नहीं लगती मेंटल एबिलिटी लगती है एंड वी ऑल नो इवन द सुप्रीम कोर्ट नोज के मैन से बहुत सुपीरियर है इट कम्स टू मेंटल एबिलिटी उनकी एफिशेंसी काम करने की बहुत बेटर है उनसे ठीक है क्योंकि जब दिमाग बट रहा था ज्यादा तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे पीछे तो इंडिया इज अमंगस द फ्यू कंट्रीज ग्लोबली टू हैव ब्रोकन द जेंडर बैरियर ये हमने देखा है इंडिया उन कुछ कंट्रीज में से है अफकोर्स ईरान में आपको बहुत देखकोर्स क्या है ना कि वहां पे मेल भी कम है कंपेरेटिवली बहुत सारे रीजन की वजह से क्योंकि वॉर पे बहुत जाते थे तो वहां पे डालना पड़ा ऑफकोर्स आपको कुछ केसेस इजराइल में भी देखने को मिलेंगे लेकिन इंडिया जो है इस मामले में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी और ये जेंडर बैरियर जो है ठीक है इसको हटाने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी इंडिया ग्लोबली ठीक है तो कॉम्बैट रोल जो है वो मेन के लिए शुरुआत से एक्सक्लूसिव रहे हैं लेकिन अब थोड़ी चीजें चेंज होंगी हैव बीन सर्विंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रोल्स जो दूसरे दूसरे कोर्स में होता है लेकिन कॉम्बैट रोल जो उनके लिए है मिलिट्री पुलिस में एटलीस्ट ये एक नई बिगिनिंग है द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज फाइनली एक्सेप्टेड जेंडर पैरिटी इन द आर्म्ड फोर्सेस बाय अलोइंग विमेन फोर्स ऑफिसर्स इन कमांड पोजीशंस उन्होंने बोल दिया है कि जेंडर पैरिटी लानी है हमें आर्म्ड फोर्सेस में तो क्या करो वुमेन ऑफिसर्स को कमांड पोजीशंस में डाल दो तो बहुत जगह पे कमांड ले रही हैं अभी सियाचिन ग्लेशियर के अंदर भी एक फीमेल ऑफिसर ने कमांड लिया है ठीक है

तो आ, लोगों में हो सकता है बेसिकली कि कहां कर पाएंगी एंड ऑफ कोर्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर इट तब आपको जरूरी होगा कि यार विमेन थोड़ी कर सकती हैं वो सब थोड़ी कर सकते हैं चिंता मत करो रुक जाओ कुछ साल तो फ्यूचर सिलेक्शन पैनल्स जो है धीरे धीरे जेंडर न्यूट्रल होने शुरू हो जाएंगे और क्या हो रहा है डायरेक्ट एडमिटेंस हो रहा है डायरेक्ट एडमिशन uh, हो रहे हैं एज ऑफिसर्स थ्रू द नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड एनलिस्टमेंट इन द ऑफ मिलिट्री पुलिस हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले से पिछले पैराग्राफ में और आसाम राइफल्स में उनकी एनलिस्टमेंट होना यह एक बहुत ही अच्छी स्टार्ट है लेकिन स्लो स्टार्ट है लेकिन अच्छी स्टार्ट है हैव स्टार्टेड एनलिस्टिंग इन द द मिलिट्री अंडर अग्निपथ प्रोग्राम है हाउ एवर विमेन आर स्टिल नॉट अलाउड टू ज्वाइन दोर्सेज जैसे मैंने बताया था ठीक है अभी तक नहीं किया है जैसे आर्मर्ड कॉर्प हो गई या आपकी स्पेशल फोर्सेज हो गई ठीक है तो उसमें क्या है बेसिकली आ, ये सब चीजों में नहीं होती है एंड मेरिट डिवन कंपेटिटिव एंट्री मेरिट के हिसाब से अगर एंट्री की आप देखोगे विच वुड अलाउ विन to join the military on an equal footing with men as officers and soldiers as opposed to the vacancy based entry that they can can currently do theek hai to basically merit ke basis pe agar hum inko laane ki koshish karenge iske andar to definitely jo gender parity ka jo agenda hai country का इंडिया का शुरुआत से उसको हम fulfill कर पाएंगे and we can actually fulfill the vision of सबका साथ सबका विकास and सबका विश्वास the nation which aspires to be a rising power of course we are aspiring for it

वन सेकंड अचीव विजन इंडिया एट ट्वेंटी फोर्टी सेवन विद एंड इक्विटेबल अप्रोच देखो कंक्लूजन में डिपेंड करता है कि आप कितने बोल बच्चन हो <laughs> ठीक है तो इसका प्लीज ध्यान रखिएगा जो भी ये नारे वारे होते हैं उनको यूज करो ठीक है और इसके साथ में ये कर, करेंगे हम लोग तो इससे सपोर्ट मिलेगा एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन को भी तो ये लिखा हुआ बेसिकली तो ये था हमारा टॉपिक नेक्स्ट चलते हैं अब ये तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके इकोनॉमिक्स पूछा हुआ है इन्फ्लेशन के ऊपर है कि प्राइस राइस क्या है कॉजेज एंड इफेक्ट्स उसके बता दिए सीधा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है ये तो आपने मतलब इतना स कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं यूपीएससी ने इस साल में कि वो आपका दिमाग घुमा सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी है 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 मैंने कहा था बैलेंस करता यूपीएससी वो किया ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया लेकिन इशू क्या है? कि सर इन्फ्लेशन की डेफिनेशन तो नहीं लेकिन हमें ये है कि अगर चार ऑप्शन को दे देगा तो हम बता देंगे सही आंसर क्या है बट दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम्स ऐसे नहीं चलते इसलिए बोल रहा हूं कि वीकेंड पे कुछ मत किया करो वीकेंड पे पूरा हफ्ता जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज करते रहो यूपीएससी क्लियर करने का सबसे पहला फोकस किसी भी टॉपर के लिए ये होता है कि वो रिवाइज करना ना छोड़े सैटरडे संडे सिर्फ रिवीजन को दो जो मंडे टू फ्राइडे किया था रेगुलर रिवीजन करते रहोगे रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी पेपर वन में भी बहुत आसानी होगी और पेपर टू में तो होगी ठीक है तो प्राइस राइज क्या होता है बेसिकली इससे पहले हम देख लेते हैं होता क्या है प्राइसिस ऑफ कमोडिटीज फ्लक्चुएट प्राइस जो होता है प्रोडक्ट का हो रहे होते हैं उसके हिसाब से चीजें ठीक है तो वो पुल होता है या पुश होता है डिमांड एंड सप्लाई का अभी आपने पुल इन्फ्लेशन और पुश इन्फ्लेशन भी देखा होगा ठीक है तो डिमांड एंड सप्लाई के जो बीच में इश्यूज होते हैं ऊपर उपा, ऊपर नीचे जा रहा होता है चढ़ाव उतार हो रहा होता है देखा है ना वो ग्राफ बनाते हैं डिमांड का सप्लाई और देखते हैं डिमांड ज्यादा है, है। सप्लाई कम समझ रहे अ फेलियर ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप और ट्रेंड फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ कैन अटन द प्राइस ऑफ दैट क्रॉप एंड द कॉस्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ क्लोदिंग टू राइस अब ऐसा हो सकता है बहुत बार कि अगर एक अब जैसे मान लीजिए पिछले साल सौ के जी थी लोगों की पूरे साल में दाल की अगले साल मान लीजिए मानसून ही नहीं हुआ मतलब मानसून तो होगा कोर्स लेकिन अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो इस बार 80 किलो ही प्रोडक्शन हो पाया कंज्यूम करने वाले कितने लोग हैं 100 किलो अवेलेबल सिर्फ कितना है 80 किलो तो जब वो 100 किलो को खरीदने वाले लोग सिर्फ 80 के लिए जाएंगे अब इतना सामान है ही नहीं बेचने के लिए तो आप क्या करेंगे प्राइस महंगा हो जाएगा ठीक है वैसे या फिर एकदम से ट्रेंड बढ़ जाए किसी क्लोदिंग का एकदम से शुरू में तो ऑफ ऑफकोर्स जिसने वो क्लोदिंग एपल्स निकाले होंगे उसने तो नहीं सोचा होगा एकदम से इतनी डिमांड बढ़ जाएगी तो उसने अपनी सप्लाई चेन भी इतनी बेटर नहीं कर रखी होगी एकदम से ट्रेंड बढ़ा पीपल आर लुकिंग फॉर इट और एकदम से क्या हुआ सप्लाई कम है डिमांड एकदम से बढ़ने लगी तो क्या होगा क्रॉप का इस एग्जाम्पल में जो हम देख रहे थे पहले और इस क्लोदिंग का ये दोनों चीजें बढ़ जाएंगी वैसे ही जैसे अनएक्सपेक्टेड सरप्लस अगर हो गया ऑनियंस की प्रोडक्शन में या हम इसमें पल्सिस ले रहे हैं तो पल्सिस एग्जाम्पल ले लेते हैं सौ किलो लोग यूज कर रहे थे इस बार मानसून बहुत अच्छा गया तो सौ की जगह एक किलो प्रोडक्शन हो गया अब सिर्फ सौ किलो ही खरीदना है लोगों को लेकिन एक किलो अवेलेबल है कंट्री में तो सस्ते प्राइसेस में उनको ज्यादा दिया जाएगा तो सस्ते हो जाएंगे प्राइसेस ठीक है, इन्फ्लेशन ऑन दी अदर हैंड हैज लिटिल टू डू विद चेंजेस इन रिलेटिव प्राइसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस अगर देखो प्राइस राइज और इन्फ्लेशन ये अलग चीजें हैं। जब एक बारी में प्राइस लेवल बढ़ता है कम होता है वो प्राइस लेवल राइज प्राइस लेवल फॉल हम लोग देख लेते हैं इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब जनरल प्राइस लेवल जो है बढ़ जाता है कंट्री में और एक लंबे वक्त के लिए ये नहीं एक महीने में जो बढ़ हम लोग कंपेयर करते हैं हमेशा इन्फ्लेशन में एक लंबे वक्त का तो जब डिफरेंट तरीके से और और बहुत सारे रीजंस होते हैं तो जनरल प्राइस लेवल जब धीरे धीरे कंट्री में बढ़ता है एक लंबे वक्त के लिए ठीक है तो उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन और प्राइस राइज जो होता है बेसिकली उससे कोई खास जो चीजें हैं डायरेक्टली नहीं होता तो इन्फ्लेशन और इसको प्लीज कंफ्यूज मत कीजिएगा प्राइस राइज एक बहुत ही छोटी चीज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन इज डिफरेंट धीरे धीरे जब प्राइस राइज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा रहे तब हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है आप मान लीजिए डोमिनो इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज इन इन्फ्लेशन ठीक है इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी इज नॉट यूज इन अ रिजिड सेंस टू मीन प्राइस फिक्सिटी हमारे यहाँ प्राइस को स्टेबल रखना बेसिकली या ऑफ कोर्स हम उनकी बात कर रहे हैं चाइना की बात नहीं कर रहे हैं हम उस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं जो फ्री मार्केट पे ऑलमोस्ट मिक्स मार्केट पे चलती है जिसमें प्राइस स्टेबिलिटी का काम होता है हमारा प्राइस को फिक्स करने का काम नहीं होता हमारा ये होता है कि प्राइस ज्यादा ना बढ़े और ना ज्यादा गिरे प्राइस को एक स्टेबल रखा जाए एक लेवल पे ही साल दर साल अगर दो से तीन परसेंट पर एन हो रहा है प्राइस लेवल राइज हो रहा है तो वो ठीक है मेरे ख्याल से एंड समाइम डिजायरेबल भी है इन द कंटेक्सट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकिन एकदम से जब बहुत ज्यादा बढ़ता है ना जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले रहे हैं एकदम से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उससे क्या है कि जो सिटीजन होते हैं नॉर्मल जो कॉमन मैन होता है उसको बहुत बड़ा इशू होता है फॉर द कॉमन पर्सन देर इज समथिंग थ्रेटनिंग अबाउट दिनल इन्फ्लेशन especially on those occasions when the rise in prices of goods is not matched अच्छा, common दो परसेंट से आपका जो है प्राइस राइज होता जा रहा है सौ था ठीक है फिर क्या हो गया एक सौ दो हो गया प्राइस पर केजी और ये बढ़ता जा रहा है हर साल दो दो परसेंट से लेकिन अगर आपकी सैलरी में प्रमोशन जो हो रहा है हर साल दो परसेंट से नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए ये चीज महंगी और ज्यादा होती रहेगी होना क्या चाहिए वेज भी जो इंक्रीज करते हैं मेजरली वो वक्त के साथ साथ क्योंकि महंगाई बढ़ती सुना है ना आपने सर महंगाई ज्यादा है देखिए जरा तो महंगाई के साथ साथ अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है ना तो वो जो चीजें जो शायद इतनी महंगी ना लगती आपको आज उतनी महंगी लग सकती है ठीक है तो प्राइस ऑफ लेबर नहीं बढ़ेगा ना अगर उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन के साथ साथ तो कॉमन आदमी को बहुत दिक्कत सकती है देन वॉट शुड बी द लिमिट ऑफ प्राइस देर इज नो क्लियर कट आंसर टू क्वेश्चन टू दिस क्वेश्चन बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस जो होते हैं उस टाइम पे एक पर्टिकुलर वक्त पे कोई ऐसा नहीं है कि कितना प्राइस चलेगा कभी कभी बहुत हेल्पफुल भी होता है इन्फ्लेशन और साथ ही साथ बहुत खराब भी हो सकता है इंडियन कमेटी है जो मॉनिटरी सिस्टम पे चक्रवर्ती कमेटी इकोनॉमी पढ़ा होगा उन्होंने रेकमेंड किया था कि जो इंक्रीज इन प्राइस है वो चार परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए सबसे पहला ये था हमारे पास फिर तो उसके बाद रंगराजन आया उन्होंने बोला कि छह परसेंट इन्फ्लेशन जो है वो आउटर लिमिट या अपर लिमिट होनी चाहिए इससे ज्यादा जो है वो नहीं जाना चाहिए तारापुर कमेटी ने थ्री लेवल बोला था

मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है ठीक है बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफ अफकोर्स क्या होता है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सामान ले भी लेंगे अब क्या होगा कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई ठीक है या प्रोडक्शन कम भी है तो एमएसपी जो आप प्रोवाइड करते हैं बेसिकली वो ऐसा भी हो सकता है कि फार्मर्स के हाथ में भी पैसा चले जाए बहुत ज्यादा और वो भी आगे कहीं पे खर्च करना शुरू कर दे आप जब इन्फ्लेशन प्राइस राइज का मतलब क्या है मा आपके पास एक साथ पैसा आया हाथ में पैसा आया लेकिन सरकार डायरेक्टली एमएसपी तो दे रही है आपको लेकिन क्या उसको पता है ये कि जब आपको वो एमएसपी देगी प्राइस दिए जा रही है वो वाला तो उसको पता है कि आप क्या खरीदोगे आगे जाके आप क्या खरीदोगे आगे जाके और कितनी डिमांड आप रखोगे आगे जाके और उतनी सप्लाई है भी उस सामान की, की नहीं तो ये जो बैलेंस है ना बीच में प्राइस राइज का ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बहुत बड़ा इशू होता है बेसिकली तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज वन ऑफ दी यू नो फॉर राइजिंग हो गया गवर्नमेंट की सब्सिडीज जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी सब्सिडीज फ्री बीच बेनिफिट ट्रांसफर सीधा हाथ में पैसे पकड़ा देना लोगों के उससे क्या होगा कि अब लोग जो वो चीज खरीदने वाले जैसे मान लीजिए सौ रुपए है मेरे पास आज ऐसे ही सौ रुपए दस करोड़ लोगों के पास भी है सबके हाथ में सौ रुपए अब इकोनॉमी इस तरीके से ही चल रही है कि यार मेरे जैसे दस करोड़ लोगों के पास सौ रुपए है और वो सौ रुपए में तीस रुपए का ही महीने का खर्चा करते हैं ठीक है दस करोड़ लोग भी भाई कर रहे हैं तीस रुपए खर्चा कर रहे हैं और जितनी इनकी डिमांड आ रही है साल दर साल उतना ही हम सामान उसके हिसाब से बना लेंगे अब सरकार आती है बोलती है सुनो हम तुम्हें सौ रुपए और दे रहे हैं अब सब ये दस करोड़ लोगों के पास दो सौ रुपए हो गए तीस रुपये खर्चते थे अब साठ रुपए खर्चने लगे हैं डिमांड बढ़ गई है इनकी क्योंकि तो पैसा हाथ में बहुत आ गया पहले सौ रुपए हुआ करता था अब दो सौ रुपए हो गए अब सौ रुपए में तीस रुपए खर्चते थे अब दो सौ रुपए में शायद साठ रुपए खर्चे अब सरकार ने तो इनके हाथ में पैसा थमा दिया लेकिन क्या सरकार ने सप्लाई चेन को बेटर किया क्या कि डिमांड कल को बढ़ेगी लोगों के हाथ में पैसा दे दिया है हमने तो क्या जो वो खरीदेंगे वो खरीदे हुए प्रोडक्ट के लिए हमने कुछ किया थोड़ा बढ़ाया उसको कि इन लोगों की डिमांड फुलफिल कर सके तो भी क्या होता है जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाता है लेस फोकस ऑन सप्लाई बॉटल ठीक है सप्लाई बॉटल नेक्स बहुत बार ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो जाती है मानसून की वजह से हो जाती है नहीं बन पाती प्रोडक्ट्स इतने या फिर इन्वेस्टमेंट लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होती है लोन्स नहीं प्रोवाइड किए जाते कंपनीज को इतना कि वो अपनी सप्लाई बॉटल नेक्स का मतलब क्या है कि आप अगर अपने गोदाम में फ्रूटी बना रहे हो ठीक है आप बना रहे हो सौ लोगों के लिए फ्रूटी कल को आपको पता है कि लोगों के पैसे बढ़ रहे हैं हाथ में आ रहे हैं तो कल डेढ़ सौ लोग भी मांगेंगे फ्रूटी तो अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है नहीं है कि यार एक और फैक्ट्री डाल दू मैं ऐसे ही गोदाम डाल दू ठीक है और खोल लूंगा और फ्रूटी बनाऊंगा डिमांड को फुलफिल करूंगा ये चीज ना नहीं हो पा रही सबसे ज्यादा फोकस क्या है सिटीजन के ऊपर है बिकॉज दे आर गोइंग टू वोट इवेंचुअली उनके हाथ में बस पैसा पहुंच जाए किसी तरीके से हम किसी प्राइस को खुद ही कम करने की कोशिश करें लोगों को अच्छा लगे और लोग वोट देते तो सप्लाई बॉटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन सब के ऊपर ना ज्यादा फोकस नहीं होता ठीक है दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट वन फॉर यू द डिस्ट्रप्शन इन सप्लाईज और सप्लाई शॉक्स कैन ट्रिगर इन्फ्लेशन

इंटरनेशनल प्राइसेस या इनस्टेबिलिटी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गई जब से लेते थे से से ले डिपेंडेंट है उस चीज के लिए तो वॉर के टाइम पे ऑफकोर्स उनका ज्यादा ध्यान आर्मी वगैरह के ऊपर है तो वो फुलफिल नहीं कर पा रहे तो उससे भी हमारे लिए चीजें महंगी हो जाती है तो जब ये कोविड नाइनटीन के बाद इशू चला था तो इन्फ्लेशन अब तो हर ग्लोबल कम्युनिटी में चल रहा है बट इंडिया सक्सेसफुली हैव यू नो अच्छी बात है फॉर्चुनेटली इट uh, और वो मैनेज एक हद तक कर पा रही है हाँ या, चलो ठीक है हो रहा है सही इतना इन्फ्लेशन हमारी इकोनमी नहीं देखा इफेक्ट्स क्या होते हैं इससे अब बहुत सारी जगहों पे मान सकते हैं आप कि किसी लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं किसी लोगों के लिए बुरे हो सकते हैं सबसे पहला तो क्या है कि इन्फ्लेशन जो है परचेजिंग पावर आपके खरीदने की क्षमता को कम कर देता है ठीक है यह सबसे प्राइमरी और सबसे खतरनाक घातक इफेक्ट है एंड ओवरऑल राइज इन प्राइसेस धीरे धीरे टाइम के साथ जब बढ़ता रहता है वो परचेजिंग पावर जो खरीदने वालों की है कम कर देता है सिंस अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी विल अफोर्ड प्रोग्रेसिवली लेस कंजप्शन सौ रुपये डेढ़ सौ रुपये हो गया दो सौ होगी कोई चीज ठीक है मान लीजिए आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया हर महीने ऐसे ही बढ़ता जा रहा है सोचिए सौ रुपए था जून में जुलाई में डेढ़ सौ हो गया और अगस्त में हो गया दो सौ अब इशू क्या होगा मेरे पास है पांच सौ रुपए और मैंने सोच रखा है कि यार मैं कुछ हिस्सा ही दे पाऊंगा किसको अपने रिचार्ज करने के लिए ठीक है डोंट वरी सरकार इतना कम पैसा नहीं देती है डरो <laughs> मत <laughs> अच्छा खासा पैसा देती है पांच सौ रुपए में इस महीने तो मैंने सौ रुपए खर्च कर दिए नेक्स्ट मंथ मान लीजिए मेरा प्रमोशन हुआ पांच सौ दस रुपए देखो प्रमोशन और मेरी सैलरी कितनी कम बढ़ी और यहां पे प्राइस कितना तेजी से बढ़ रहा है तो मेरे लिए चीजें महंगी हो जाएंगी वक्त के साथ साथ क्योंकि मेरे पास पैसा इतना नहीं है एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी ही है ऑलमोस्ट पांच सौ रुपये में दस रुपए एक्स्ट्रा हुआ है वहां सौ में पचास हो गए भाई तो ये जो मेरी खरीदने की क्षमता है ये खत्म होती जाएगी इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर तो इन्फ्लेशन से परचेजिंग पावर कम हो जाती है राइजिंग प्राइसेस एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत इफेक्ट करती है खासकर जो फिक्स इनकम ग्रुप है ऑफकोर्स बिजनेस वाले तो है नहीं कि किस साल बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया तो अच्छा खासा मुनाफा हो गया ऐसा तो नहीं है अब सैलरी लोग हो गया आप लोग कल को क्या होगा आपकी सैलरी आ रही होगी और वो फिक्स इनकम है जैसे प्राइवेट के अंदर जिस तरीके से आपका हर साल प्रमोशन अच्छे तरीके से हो रहा होगा वैसे तो प्रमोशन होता नहीं है मतलब अगर आपने एक लाख से शुरू होगा किया होगा तो प्राइवेट में जैसे आप कभी दस लाख तक भी पहुंच सकते हैं यहां पे आप एक लाख से तीन लाख मैक्सिमम मैक्सिमम कभी पहुंच पाएंगे तो ऑलमोस्ट फिक्स इनकम ग्रुप है मान लीजिए ठीक है पर्टिकुलरली जो वेज अर्नर्स होते हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा इशू है जो रोज की दिहाड़ी कमा रहे है जब प्राइस ज्यादा होंगे तो वैल्यू ऑफ मनी जो है ऑफकोर्स लो हो जाती है और जब वैल्यू ऑफ मनी आपकी बढ़ जाती है लैक बिटवीन प्राइस राइज एंड मनी वेज एडजस्टमेंट हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है लैक का मतलब एक समझ रहे हैं कमी प्राइस राइज तो हो रही है ठीक है लेकिन उस हिसाब से आपकी जो वेजेस हैं दिहाड़ी हैं वो नहीं बढ़ रही है वो बढ़ रही है बहुत आराम से तो उससे क्या होता है ये लैग जो है ना कि वेज आप उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा पाते वेज अर्नर्स के या फिक्स्ड इनकम ग्रुप के जिस तेजी से प्राइस लेवल जो है बढ़ रहा है हाउएर बिजनेस फॉर्म्स गेन ड्यूरिंग प्राइस राइज बिकॉज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स इन द स्टॉक राइज ठीक है लेकिन जो बिजनेस फॉर्म है उनको अच्छा लगता है प्राइस बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स उनके जो स्टॉक है उनके प्राइसिस बढ़ जाते हैं वही ना पर्सपेक्टिव देखिए नॉर्मल कंज्यूमर के लिए इट कैन बी अ प्रॉब्लम बट बिजनेस के लिए इट्स इट्स एन अपॉर्चुनिटी इन्फ्लेशन क्या करेगा इन्फ्लेशन एनकरेजेस होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज आप क्या करेंगे कोशिश करेंगे कि यार इन्फ्लेशन हो रहा है धीरे धीरे प्राइस बढ़ेंगे पहले खरीद के अपने पास रख लो या आपको पता है इन्फ्लेशन होने वाला है आप अपने पास रख लो कि भाई जब प्राइस बढ़ेंगे ना तब बेचेंगे इनको तो उससे क्या होता है जेनरेशन ऑफ ब्लैक मनी या फिर बहुत बार क्या होता है मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करते आपने हर, हर साल देखा होगा टीओपी एंड पटेटो जो बहुत हद तक यूज होता है तो इनके लिए मार्केट स्टेबिलाईज करने की कोशिश सरकार करती रहती है और अपने जो मिशन है वो चलाती रहती है तो आपने देखा होगा कि टमेटो अनियन प्राइसेस uh, टमेटो अनियन या पटेटो के जो प्राइसेस होते हैं बेसिकली वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं वो क्यों करते हैं क्या होते हैं गोदाम के अंदर भर लेते हैं ये लोग बहुत सारा और वेट करते हैं प्राइस के बढ़ने का जैसे ही धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा तो क्या करेंगे जब वो पचास से अस्सी रुपए किलो पहुंच जाएगा तब मार्केट में लेके आएंगे और बेचना शुरू करेंगे उन्होंने खरीदा था पचास रुपए में उनको तीस रुपए का मुनाफा सीधा सीधा हो रहा है ठीक है इसको बोलते हैं होर्ड करना अपने पास रख लेना बहुत सारा अब गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक है उनका दे हैव अ पावरफुल इंसेंटिव टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक गवर्नमेंट और सेंट्रल एक बहुत की तरीके से कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके वेन इन्फ्लेशन थ्रेटन्स टू एक्सीड अट्रल बैंक टारगेट पॉलिसी मेकर्स कैन रेज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट अब क्या होता है बेसिकली जब इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ जाए ठीक है तो क्या होता है कि आप लोन्स जो है वो महंगे कर दो लोगों के लिए लोन्स का मतलब लोगों के हाथ में पैसा ही ना हो कि वो खर्च कर सके ठीक है तो लोगों के हाथ में जो पैसा है उसको रोकने के लिए ताकि वो और खर्च ना करें तो आप अपने इंटरेस्ट रेट जो हैं ठीक है थेके? उनको बढ़ा दोगे पहले वो पांच परसेंट पे लोन खरीद पा रहे थे आज वो दस परसेंट पे उनको तो महंगा हो गया लोन मान लीजिए सौ आप लोन पे ले रहे हैं और खर्च कर रहे हैं उसको दवा के पांच परसेंट इंटरेस्ट रेट है आपको पता है कि मुझे वापस कितना देना है एक सौ पांच अब इंटरेस्ट रेट क्या है सौ रुपए आज भी वो लोन पे ले रहा है लेकिन इंटरेस्ट रेट दस परसेंट कर दिया अब उसको पता है कि साल के एंड में एक सौ दस रुपए उसको पे करने पड़ेंगे उसके लिए लोन महंगा हो गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया अब वो लोन शायद ना ले अब सौ रुपये तो बहुत छोटी लिमिट बता रहा हूं सौ रुपये के ऊपर 105 देने पड़ रहे हैं बहुत छोटी लिमिट लग रही है लेकिन वो सोचिए जो पांच लाख दस लाख का एडुकेशन लोन वो तो चलो अच्छी चीज है लेकिन वैसे ही लोन ले रहे हैं मार्केट में पैसा डालने के लिए तो वो एक लाख का दस परसेंट सर दस हजार हो जाएगा वो जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो जब आप महंगे करते हो ठीक है तो उससे क्या होता है बेसिकली ओके। okay. लोन को महंगा कर दोगे ताकि वो लोन ले ही ना और उनके हाथ में इतना पैसा ना हो कि वो मार्केट में और खर्च कर सके क्योंकि जितना ज्यादा वो खर्च करके आएंगे इसका मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई उस तरीके से नहीं बढ़ती है कभी भी तो महंगाई को बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है बैंक की तरफ से ठीक है ड्राइविंग दी बोरोस्ट हायर इसका मतलब जो बोरो करने की जो कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया आपने ठीक है ताकि मनी सप्लाई को थोड़ा रोका जा सके वह इन्फ्लेशन इज ए नैचुरल पार्ट ऑफ मोस्ट इकोनमीज देखेंगे आपके नेचुरल पार्ट है बढ़ता है प्राइस शुरुआत से बढ़ता जा रहा है बोलते नहीं है हमारे घर वाले के हमारे वक्त पे तो सोना क्या था दस रुपए का मिलता था बीस पच्चीस रुपए का मिलता था या डेढ़ सौ में आप बोरा भर के ले आते थे सोने का डायमंड्स तो ऐसे ही मतलब पड़े होते थे रोड पे वो आज देखो इनके प्राइसेस क्या गए बोलते हैं ना ऐसे तो धीरे धीरे वो नेचुरल पार्ट है इकोनॉमीज का वो बढ़ता है ठीक है तो उनके कॉज इफेक्ट्स हर चीज को समझना बहुत जरूरी है ताकि इसके चैलेंजेस को आगे जाके हम कर सकें और ये एक तरीके से हाथ से बाहर ना चले जाए जैसे आप बहुत जगह पे इन्फ्लेशन देखते हैं कंट्रीज के अंदर वो हाथ से इतना आगे बढ़ चुका है कि दैट बिकम्स इन इशू विद टाइम तो ताकि वो ना बढ़े इशू तो उसलिए इस चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से प्राइस लेवल बढ़ता है क्या क्या इंपैक्ट होगा तो हम पहले से इसका ध्यान रखें ठीक है नेक्स्ट चलते हैं कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज सीधा का सीधा जोग्राफिजिक क्वेश्चन है डायरेक्ट ज्योग्रफिजिक क्वेश्चन है नॉन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ 9th क्लास में भी अवेलेबल है 11th क्लास में भी अवेलेबल है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं वहां से ठीक है अब एंडेंजर्ड स्पीशीज होती क्या है ये वो स्पीशीज होती हैं जो एक बहुत ही हाई रिस्क ऑफ इन एक्सटिंक्शन पे होती हैं इन द नियर फ्यूचर नियर फ्यूचर का मतलब क्या है कि अगर आपने इनका ध्यान नहीं रखा तो कल को जाके ये विलुप्त हो सकती है मतलब गायब हो सकती है कल को जाके आपको शायद ये स्पीशीज देखने को ही ना मिले नेचर के इंदर. जर तो स्पीशीज वो होती है जो एक रिस्क पे होती है बहुत ही बड़े रिस्क पे होते हैं कल को वो विलुप्त हो सकती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वो एक लिस्ट तैयार करती है हर टाइम हर कुछ दिनों में आपके पास वो रेड लिस्ट की जो है यूपीएससी में होंगे आप है पढ़ते होंगे इन इन स्पीशीज को ये ये वाला टैग दिया है तो वो लिस्ट, लिस्ट तैयार करती है जिसमें वो पूरा सर्वे करती है दुनिया भर में और चेक करती है कौन सी कौन सी जो स्पीशीज हैं उनको कितनी प्रोटेक्शन मिली है अगर अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिली है तो उनको थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पर डाल दिए वलनरेबल वल्नरेबल लेकिन अगर उनको लगता है कि यार किसी की स्पीशीज को और भी जरूरत है तो एंडेंजर्ड से शायद वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में भी डाल दें तो ऐसे ही लिस्ट में जो स्पीशीज हैं उनको अलग अलग टैग मिलते रहते हैं लेकिन ये टैग कौन देता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वहीं पे स्पीशीज स्पीशीज कैटेगराइज डिफरेंट परिस्ट ऑफ रिस्क तो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन स्पीशीज ये निकालता है जिसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क पे डाला जाता है स्पीशीज को कैटेगराइज किया जाता है करंटली आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अराउंड डेढ़ लाख स्पीशीज हैं ठीक है जिसमें से बयालीस हजार से ज्यादा जो वो एंडेंजर्ड हैं ठीक है और उनको आगे जाके विलुप्त हो सकते हैं वो तो उनका ध्यान रखना जरूरी है अब ये this includes 41% अभी डायरेक्टली जो है IUCN की रेड लिस्ट का जो वो है फर्स्ट पेज उसको यूज किया हुआ है और डायरेक्ट डेटा करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं तो आपको यूज होगा ये लिखने में

एनवायरमेंट के अंदर नेचुरल एक्सटेंशन रेट होता है कि किस रेट से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है कितने सालों के बाद लेकिन ये जो रेट है अब हमारे एनिमल स्पीशीज के एक्सटेंशन का ये हजार से दस हजार गुना हो चुका है जो कि किसकी वजह से है अफकोर्स वी ह्यूमंस हम जहां जहां, जहां गए हैं जिस जिस प्लान पे गए हैं उसको तबाह किया है हम लोगों ने बिकॉज वी आर वेरी गुड इट मेन कॉजेज कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीजिंग एक्सटेंशन सबसे मेन कॉजेस क्या हो सकते हैं पोचिंग हैबिटेट लॉस आपने जगह उड़ा दी उनकी जहां पे वो रहते हैं चेंजेस इन हैबिटेट ओवर एक्सप्लाइटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर प्रॉफिट एंड पोल्यूशन ये सारी चीजें जो है बेसिकली ये बहुत ही मेन कॉजेस हैं जिसकी वजह से एक्सटेंशन हो रहा है मल्टीपल प्रोसेस जो ह्यूमन एक्टिविटी के चल रहे हैं वो एक दूसरे पे ऐसा काम करते हैं कि बेसिकली स्पीशीज को हर तरीके से थ्री सिक्सटी डिग्री से हम हार्म कर रहे हैं नेचर इज डिस्ट्रॉयड फॉर हाउसिंग घर बनाने के लिए हम लोग जगह की जगह उड़ा दी हमने एग्रीकल्चर फार्म्स को जो फॉरेस्ट uh, थे उनको क्लियर करके वहां पे एग्रीकल्चर शुरू कर दिया इंडस्ट्री हो गया कॉमर्स के लिए किसी भी जगह पे क्रीचर्स के लिए जगह छोड़ी ही नहीं कि वो रह सकें सब तबा किए हमने ठीक है। स्पीशीज सर्व एज रॉक ऑफ इको जैसे कि कितनी भी स्पीशीज होती हैं तो क्या है वो ecosystem को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। नेसेसरी फॉर लाइफ इंडिविजुअली भी देख सकते हो आप जिंदा रहने के लिए कलेक्टिवली पूरी स्पीशीज को भी या पूरी इको में रहने वाले लिविंग थिंग्स को देख सकते हो कलेक्टिवली वो सारे एक साथ काम करते हैं इको में सभी लिविंग क्रिएचर्स हैं ये आप जानते हैं सब इंटरकनेक्टेड हैं याद आ रही है अपनी सारी शंकर आयवायरमेंट की चीजें तो सभी लिविंग क्रिएचर्स जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं एक बायोस्फीयर के अंदर बायोस्फीयर का मतलब जिस भी यू नो एरिया ऑफ द अर्थ या जिस भी स्पेस ऑफ अर्थ जहां पे लिविंग बींगस रहते हैं उन सबको कैलकुलेट करोगे तो बायोस्फेयर बुलाते हैं ठीक है तो सब इंटरकनेक्टेड रहती हैं बायोस्फीयर के अंदर आप जानते हैं कि बहुत ही एक इंटरकनेक्टेड और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये एक साथ जो रहते हैं तो एक भी अगर उसमें से मोती गिरा तो पूरी माला खराब हो सकती है वैसे ही एक्सटेंशन ऑफ इवन अ सिंगल स्पीशीज ये एक चेन रिएक्शन बना सकती है जिससे बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर पूरे इकोसिस्टम के अंदर से अगर आप मान लीजिए जैसे आपका आ, टेस्टलिको सिस्टम में चलो एक छोटा सा ले लेते हैं ग्रास लैंड का ले ले वहां पे मान लीजिए कि लायंस भी आपको देखने को मिलते हैं और साथ में डीयर्स भी देखने को मिलते हैं अगर डीयर्स की स्पीशीज खत्म हो जाए तो डियर्स जिसको खा रहे थे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी विच इज नॉट गुड फॉर दैट एरिया एंड लायंस हु आर फीडिंग ऑन डियर्स दे विल डाई इन द एंड ठीक है किसकी वजह से भूख की वजह से तो सारी स्पीशीज पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है अगर आप एक सर्टेन स्पीशीज को एक्सटेंड कर देते हो तो तो इससे क्या हो सकता है चेन रिएक्शन हो सकती है बहुत सारे तरीकों से हम लोग आज रोक रहे हैं स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे हम लोग प्रोटेक्टेड एरियाज बना रहे हैं कौन से कौन से हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फेयर रिजर्व इन तरीकों से अब ये ये मैंने उसी सेंस में लिखा है जिस सेंस में इनकी वो है कंट्रोल uh, है नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है ह्यूमन इंटरवेंशन का या फिर uh, पूरे इकोसिस्टम पे कंट्रोल करने का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ा कम और बायोस्फीयर रिजर्व में बिल्कुल कम बायोस्फीयर रिजर्व में बिल्कुल एक बीच वाला एरिया होता है कोर एरिया जिसको बोलते हैं बफर एरिया में इतना इशू नहीं होता है वहाँ पर कुछ कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती है लेकिन कोर एरिया में वार्डन की uh, उससे ही आप चीफ वार्डन जो अवेलेबल होता है उसी से परमिशन लेके आप आ जा सकते हैं तो बेसिकली थोड़े से कम कंट्रोल होता है रिजर्व में उससे ज़्यादा कंट्रोल में उससे ज्यादा कंट्रोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सबसे ज्यादा कंट्रोल नेशनल पार्क के अंदर री इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं एनिमल्स को चीता याद है कुछ साल पहले अभी बड़ी न्यूज चल रही थी आप लोगों ने, ने रटा वो और शायद किसी किसी एग्जाम में ही आया होगा शायद वो कैप्टिव ब्रीडिंग कर रहे हो आप ब्रीडिंग मतलब स्पीशीज की ब्रीडिंग इम्प्लीमेंटिंग कंजर्वेशन लॉज जैसे हमारे पास कौन सा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, 2001 है 2002 के अंदर वो इन एक्ट वो इनफोर्स हुआ बन तो 2001 में ही गया था ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जिस तरीके से आप कोशिश करते हो कि इनको कंजर्व कर सको और पब्लिक अवेयरनेस जो एनजीओ और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं वो काम कर ही रही है ठीक है ये लोग काम करते हैं इसको कंजर्व करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज आर इफेक्टिव इन सेविंग स्पीशीज और हैबिटैट्स ठीक है तो स्पीशीज को भी प्रोटेक्ट करते हैं और हैबिटैट्स को ह्यूमन एक्टिविटीज से खत्म ना कर दिया जाए उसका भी ध्यान रखते हैं सेफ करके रखते हैं बहुत बड़े एरियाज़ होते हैं प्रोटेक्ट एरियाज को यह मत समझो कि पाँच दो किलोमीटर का एरिया बना दिया उसके अंदर क्या है जानवर घूम रहे हैं बहुत दूर तक फैला हुआ होता है बेसिकली तो ये सिर्फ थ्रेटेड स्पीशीज के लिए भी नहीं है बल्कि जो इंटरकनेक्टेड स्पीशीज भी इनके साथ साथ काम करती है उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है

नेशनल पार्क के अंदर आप ऐसे खुले में घुस के ही नहीं देख सकते कि अरे भाई, सारे एनिमल्स खड़े हैं चलो इनकी ब्रीडिंग कराएं को बेटर किया जाए खा जाएंगे आपको जंगली जानवर जू के अंदर इसलिए रखा जाता है ताकि ब्रीडिंग से की जा सके और उनकी हेल्थी पॉपुलेशन के, आगे लिए, के लिए आगे देखा जा सके ठीक है इंडिविजुअल्स केन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और अपना कार्बन फुटप्रिंट एक स्टूडेंट ने पूछा था कुछ दिनों पहले कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है बेसिकली ऐसा होता है कि आप जब यूज़ कर रहे होते हैं पूरे रिसोर्सेस को तो आप ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन यूज करते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन कैसे यूज कर सकते हैं कि आपने आयरन कर रहे हैं आप

जब आप ये सारी चीजें ये प्रेस वगैरह कर रहे होते हो तो वो बहुत बड़ा इशू है तो वैसे ही कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि जब आप बहुत सारी एक्टिविटीज दिन भर में कर रहे होते हो तो आप कार्बन निकालते हो बाहर कार्बन जो है धीरे धीरे अब एनवायरमेंट में जाता है आपकी वजह से तो आपने जितना कार्बन प्रोड्यूस किया ठीक है उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट ठीक है कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअली कार्बन की आ, एमिशन का ठीक है कार्बन एमिशन में आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना है एंड मेकिंग सस्टेनेबल चॉइसेस इन देयर डेली लाइफ ठीक है सस्टेनेबल चॉइसेस इनको बनानी चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें गवर्नमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बाय प्रोटेक्टिंग इंडेजर स्पीशीज लॉज और रेगुलेशंस बनाने के बाद और प्रिवेंट करती हैं उन एक्टिविटीज को जैसे पोचिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और लॉज बनाए हुए हैं इसके लिए ताकि वो जो है ओवर पोचिंग या ओवर डिस्ट्रक्शन ना हो कंजर्वेशन काम करते हैं ताकि इन चैलेंजेस को एक साथ वो कर सके एड्रेस कर सके वैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 ये भी बहुत सारी पेनल्टीज डालता है फॉर वायलेशन ऑफ इट्स प्रोविजन जो लिखे हुए हैं शेड्यूल वन से शेड्यूल फाइव एंड सिक्स तक इसमें शेड्यूल वन से शेड्यूल सिक्स तक बेसिकली क्या होता है वो फाइव तक कि आपकी जो स्पीशीज जिस तरीके से कैटेगराइज है वो सबसे ज्यादा जिसको प्रोटेक्शन चाहिए वो शेड्यूल वन में है और फिर धीरे धीरे जो शेड्यूल्स में डाले गए हैं उनकी प्रोटेक्शन थोड़ी कम है ग्लोबल एफर्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये अवेयरनेस बढ़ाता है बहुत सारी स्पीशीज के लिए वहीं पे आईओसीएन के लिए हमने बात कर ली है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पीशीज के कन्वर्जन के लिए कंजर्वेशन के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट्स को अब वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स को असिस्ट करती हैं और कम्युनिटीज को भी ताकि एक अच्छे तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट और कंजर्व कर सकें बहुत सारे सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इन्वायरमेंट अग्रीमेंट्स भी हुए हैं जो आई मीटिंग्स में से हुए हैं जैसे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड 1971 एंड एंड दन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एंड मतलब ठीक है कि आप एंडेंजर्ड स्पीशीज को जब इधर से लेकर जा रहे हो तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड को और स्मगलिंग को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम करते है साइड कंक्लूजन वी कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूज एंड डिबेट्स क्लाइमेट चेंज को लेकर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को लेकर या एक्सटेंशन को लेकर एंडेंजर्ड स्पीशीज की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड ने बहुत सारे नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं लेकिन ये स्टेप्स भी अभी भी सिर्फ एक ड्रॉप इन ओशन है दे आर नॉट वेरी सैटिस्फाइंग तो बहुत जरूरी है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दें और साथ में एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करें और अपने एफर्ट्स को कॉन्सोलिडेट करें ज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अब आता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप आई डोंट नो के uh, समझ आया कि नहीं मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन हो सकता है इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा प्लान था बेसिकली करने का सिंथेसिस करना ठीक है ये मॉडर्न इंडिया में है और नेशनलिस्ट मूवमेंट से बहुत पहले की बात है जब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रही थी तब इस बारे में बड़ी बात हुई थी तो प्लीज इसको ध्यान रखना क्योंकि अगर मुझे नहीं पता कि आपने सिलेबस पढ़ा है कि नहीं लेकिन पेपर टू में भी सिलेबस दिया हुआ है ऐसे राइटिंग के लिए साफ साफ जहां पे मॉडर्न इंडिया लिखा हुआ है तो आप ये मत बोलिएगा कभी भी मुझे या किसी को भी कि यूपीएससी तो कहीं से भी सवाल पूछ लेता है नहीं ये आपकी गलत फहमी है कि यूपीएससी कहीं से भी पूछता है यूपीएससी के एक पास एक सॉलिड बैकअप है कि भाई ये मैंने दिया हुआ सिलेबस में मैं पूछ रहा हूं प्लीज मेरे को कुछ मत कहना ऐसा होता है सीरियसली तो सीधा का सीधा मॉडर्न इंडिया टॉपिक दिया है सिलेबस उठाकर कभी पढ़ लीजिएगा बहुत हेल्प करेगा आपको अब, अब क्या हो रहा है सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस सिंथेसिस ऑफ तो आगे जाके हमारे लिए बड़ी हेल्प हो सकती है बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट गोल है ठीक है अच्छा ये वेस्ट और ईस्ट की फिलोसफीज को कनेक्ट करके देखने का काम पहले ही सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो थे हमारे मॉडर्न इंडिया में उन्होंने देख लिया था उसी के बारे में हमें बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चल रही है आजकल स्क्रीन स्टक कौन कह रहा है स्क्रीन स्टक स्क्रीन स्टक हो गई है क्या बीबी भी भी? में बाकी लोग बाक, अच्छा बाकी किसी को भी इशू हो रहा है क्या स्क्रीन स्टक होने की नो सर एवरीथिंग ऑलराइट ओके थैंक यू तो ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म चल रही है ग्लोबल विलेज टेक्नोलॉजी ने कैसे सबको कनेक्ट कर दिया है और एक ग्लोबल विलेज बनाने की कोशिश की तो ग्लोबल विलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो बताती है कि ग्रेजुअली जो इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ रही है ईस्ट और वेस्ट के बीच में हाउ दे आर एक्चुअली इंजॉइंग या और एक्सेप्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसफीज एंजॉय और एक्सेप्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसफीज डिफरेंट तरीकों से वेस्ट वाले कैसे स्परिचुअलिटी यहाँ से इंजॉय कर रहे हैं योग यहाँ से इंजॉय कर रहे हैं दी अल्टीमेट रियालिटी या फिर अल्टीमेट यू नो रीजन फॉर अ रिलीजन जिस तरीके से वो देखते हैं स्पिरिचुअलिटी को इस तरीके से ईस्ट में जो है ठीक है ऑफकोर्स बहुत सारे यहाँ पे जो लोग हैं जो बहुत ही प्राउड इंडियंस हैं आई कम्पलीटली अंडरस्टैंड आप ये बोलेंगे कि सर क्योंकि जो मैं आगे बोलने वाला हूँ आपको दुखेगी बट द रियलिटी जो ग्रीक स्कॉलर्स का उसके बाद जो पूरे एरियाज़ में वहां पे डेवलपमेंट होती गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ले लीजिए हम उनसे साइंस एक्सपेक्ट करते हैं लेना ठीक है कि वहां पे साइंटिफिक फिलोसफीज बहुत अच्छी है तो हम वहां से साइंस ले सकते हैं ठीक है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो काम कर सकता है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के लिए काम कर सकता है ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सकता है हम उनसे वो लेंगे और वो हमारे से नई फिलोसफीज जैसे स्पिरिचुअलिटी हो गई या फिर पीसफुल फिलोसफी ये सारी चीजें ले सकते हैं ठीक है अब बहुत लोग बोल लेंगे सर आर्यभट्ट आपको याद नहीं वो सब ऑफकोर्स याद है आई नो एवरीथिंग ठीक है हिस्ट्री में मैंने मास्टर्स करने के बाद आई एम परस्यूइंग पी इन हिस्ट्री तो डोंट वरी आई नो इट बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक वक्त के बाद ये जो डिवेलपमेंट थी ये इतनी खत्म हो गई कि वी वर जस्ट लिविंग फॉर सर्वाइवल इतना ज्यादा सोसाइटल डेवलपमेंट्स होने के बाद 900 के बाद धीरे धीरे हम लोग मिडीवल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे थे अर्ली मिडिवल इंडिया से चलते चलते लेटर मिडीवल पीरियड में तो धीरे धीरे क्या है सोसाइटल डेवलपमेंट्स ने इतना ओवरलुक कर दिया किसको टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को सारी जगह क्या था सर्वाइवल इन्वेडर्स लूट चल रही थी ये सब चीजें चल रही थी तो हम लोग साइंटिफिक जो अपना एंथुजियाजम जो साइंटिफिक जो सेंटिमेंट्स थे हमारे वो एंशंट इंडिया के बाद कुछ खास देखे गए नहीं इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट टॉक्ड अबाउट मच इन दोज डेज ठीक है और आज हम इस बारे में बात नहीं करते ग्रीक स्कॉलर्स हो गए या फिर एस्ट्रोनॉमी आप देखेंगे एस्ट्र, एस्ट्रोफिजिक्स की जब आप बात करेंगे आइंस्टाइन की न्यूटन की इन सब की बात करेंगे सो यू विल फाइंड दिस पीपल ओवर देयर क्योंकि वहां पे साइंटिफिक थॉट्स के ऊपर और एक्सपेरिमेंट्स और क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर बहुत फोकस दिया जाता था तो हम इसी तरीके से अप्रोच करेंगे इन चीजों को भी क्योंकि मॉडर्न इंडिया में भी आप यही देखेंगे रिलीजियस रिफॉर्मर्स भी थे देवर टॉकिंग अबाउट दिस कि क्रिटिकल और एनालिसिस लेंगे हम वहां से और हमारे यहां से स्पिरिचुअलिटी अल्टीमेट रियालिटी इस चीज को यूज करेंगे तो ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इंटरकनेक्टेडनेस है ठीक है वो बताती है कि ग्लोबल विलेज धीरे धीरे बनता जा रहा है एंड उसके अंदर हमारे को और क्या क्या ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस को कंट्रीब्यूट करना है ताकि एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कम्युनिटी हम बना सके देखते हैं मेजोरिटी जो इंडियन फिलोसफीज हैं जैसे हिंदुजम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वो इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ के ऊपर है यू विल ऑलवेज सी दैट इंडियन फिलोसफीज आर नेवर अबाउट अ सिंगल बुक ये रही आपकी किताब ऑफ कोर्स वो सिंगल बुक नहीं होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे आ, ऐसे नहीं होते हैं कि आ, आ, आप ये सोच रहे कि कुरान जो है वो इस्लाम की सिर्फ एक सिंगल बुक है नहीं कुरान जो है ऑफ कोर्स उसके बाद हदीस होती है हदीस भी बुलाते हैं उसको फिर तफसीरें हैं सूरह है बहुत उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली तफासिर हैं उसके अंदर जो समझने के लिए आगे उसको इम्पोर्टेंट होती है लेकिन हिंदू जो वो है इंडियन फिलोसफीज़ हैं जैनिज्म बुद्धिज्म हिंदुज्मो नॉट है बुक मैं आपको बोलूँ की हिंदुइजम की आप नहीं दे पाओगे इट इज अ डिवेलपमेंट ऑफ फिलोसफीज तो हमारे यहाँ पे जितने भी रिलीजन रहे हैं देव ऑलवेज सीक्ड हमेशा एक ढूंढने की आदत रही है सीक करना ट्रूथ को तो इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ से हमेशा रिलेटेड रहती है हमारी इंडियन फिलोसफीज इंडियन फिलोसफीज एक्सप्लोर द ट्रूथ ऑफ एक्सिस्टेंस फ्रॉम अब्जेक्टिव एंड अ स्परिचुअल पॉइंट सब्जेक्टिव का मतलब होता है सिर्फ ये नहीं कि हर चीज का एक ही आंसर होगा देखो फर्क ये है कि इंडियन फिलोसफी इज नॉट अ रिलीजन इट्स अफ लाइफ वेस्ट में आप देखोगे सो रिलीजन वर मेड एंड अकॉर्डिंग टू देम द वे ऑफ लाइफ वॉज सेट समझिए इस बात को अभी शायद समझना है धीरे धीरे चमके की बात कि वहां रिलीजन बने और वहां लिखा गया कि कैसे जीना है आपको यहाँ पे वे ऑफ लाइफ ही था शुरू से सिविलाइजेशन में और धीरे धीरे फिर रिलीजियस एंटिटीज उठी और रिलीजियस रिलीजन लिखा गया तो हम ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं कि हर चीज का एक पर्टिकुलर एक परफेक्ट आंसर होगा नहीं आपको ढूंढना है यू हैव टू सीक दैट तो सब्जेक्टिव और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंडियन फिलोसफी जो है ट्रूथ को ढूंढती ठीक है कैसे सीकिंग आंसर्स टू रिजोल्व दी अन आंसर्ड क्वेश्चन ऑफ लाइफ एग्जिस्टेंस डेथ एंड आफ्टर लाइफ कि कैसे हम लोग ये बेसिकली ट्रूथ uh, का मतलब ये है कि कैसे हम लोग चेक करते हैं स्पिरिचुअल सेंस में कि क्या होगा एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ का क्या मीनिंग है डेथ और आफ्टर लाइफ इन सब के बारे में क्योंकि कोर्स uh, हम लोग इन चीजों को सुनते नहीं है बट ऑफकोर्स लॉट ऑफ पीपल आर इन टू दिस एंड दे रियली साइंटिस्ट जो है टॉपिक ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ ठीक है तो बेसिकली इंडियन फिलोसफी एक्चुअली मैं दिस फिलोसफीज आर पाथवेज टू अस लिविंग कैरेक्टराइज बाय अल्टीमेट लिबरेशन एज सजेस्टेड बाय सेजेस पाथवे क्या है रास्ता है एक राइसियस लिविंग का कैसे अच्छे तरीके से जीना है एज अ गुड ह्यूमन बाय अल्टीमेट लिबरेशन आखिरी में अल्टीमेट लिबरेशन मत सोचिएगा कि एकदम से आप गायब हो जाएंगे उड़ जाएंगे और ऊपर स्वर्ग चले जाएंगे इट्स नॉट लाइक दैट अल्टीमेट लिबरेशन इज बेसिकली टू रियलाइज टू नो नहीं टू रियलाइज दैट यू आर पार्ट ऑफ अ बिगर बींग ठीक है तो दैट इज अल्टीमेट लिबरेशन वहीं कॉन्ट्रोडिक्शन में देखें अगर हम तो वेस्टर्न साइंस जो है एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात करती है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और सब्जेक्टिव ट्रूथ का मतलब समझ आ गया ऑब्जेक्टिव मतलब एक आंसर होगा हर चीज का सब्जेक्टिव मतलब एक नहीं होता यू हैव टू सीक फॉर इट बहुत सारे फिलोसोफर्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जैसे प्लेटो ठीक है प्लेटो प्लाटो प्लेटो कुछ भी बुला सकते हो अरिस्टोटल वो ट्रूथ को ऑब्जेक्टिवली देख रहे थे कैसे कि एविडेंस मिल जाए हमें तो ये जो ये है ना कि एविडेंस के, के थ्रू आप एम्पेरिकल एविडेंस होना चाहिए तो इसके साथ बेसिकली वो ऑब्जेक्टिवली ट्रूथ को सीख कर रहे थे कि 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 एक एक एविडेंस एविडेंस होना जरूरी है, कर, जरूरी है है इट्स नॉट आप सीख हम माने उसको क्रिटिकल एनालिसिस होना जरूरी है कि सही है गलत है क्रिटिकली देखें दोनों तरफ से क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब पता होगा आपको ऑफ द फाइंडिंग्स जो भी हमें एविडेंस मिलता है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़े इन क्वालिटेटिव टर्म्स एंड कंक्लूडिंग ऑन द ट्रूथ इन मेजरेबल टर्म्स तो मेजरेबल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव तरीके से एविडेंस ये सब ये है वेस्टर्न साइंस विच इज वेस्टर्न साइंस बोल रहे हैं इसको, तो वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात कर रहे हैं हर चीज का एक आंसर है उस एक आंसर के लिए एविडेंस तो ढूंढोडेंस को टेस्ट करो, क्रिटिकल करो क्या क्रिटिकल एनालाइज करो क्योंकि एविडेंस सही है तो बेसिकली ट्रूथ को मेजरेबल टर्म्स में देखा जा रहा है हम दोनों में ये मिसिंग है हमारी फिलोसफीज में समवेयर दिस इज मिसिंग उनकी फिलोसफीज में अब क्या है ना कि आ, मतलब चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस हियर हिट ऑफ पीपल माइट नॉट लाइक इट चलो नेक्स्ट चलते हैं द कॉन्स्टेंट डिसकंटेंटमेंट अपॉन फेलियर मटेरियल जैसे अब जैसे हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि एक डिसकंटेंट रहता है ये ये जो बोलते हैं ना कि वेस्टर्नाइज कल्चर हो गया बिकॉज ये जो मटीरियलिस्टिक कल्चर की तरफ जो नीड्स है ना बेसिकली वो जो है एक उससे एक डिसकंटेंटमेंट एक हमेशा एक अधूरापन रहता है कि नहीं है हमारे पास जैसे वेल्थ पोजेशन या रिकग्निशन ये वेस्टर्न कल्चर्स में देखी गई है इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है इट कैन बी बैलेंस जब यहां से स्पिरिचुअल ट्रूथ को लेकर जा सके दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान यू आर पार्ट ऑफ अ बिगर बींग उसको बैलेंस किया जा सकता है तो वो डिसकंटेंटमेंट जैसे आज आप देखेंगे वेस्ट में यूल फील दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सोसाइटी विजिट्स अ साइकाइट्रिस्ट इट्स बिकॉज ऑफ दैट डिसकंटेंटमेंट अधूरे पन की वजह से बेसिकली पूरा दिन काम करके पूरी लाइफ काम करके बेसिकली अपने आप को वक्त ही नहीं दिया वो पर्सनल टाइम ही नहीं है बेसिकली तो उसकी वजह से जो डिसकंटेंटमेंट हो रही है तो इसको सॉल्व किया जा सकता है बैलेंस किया जा सकता है बाय द स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ ईस्टर्न स्कूल और दूसरी तरफ वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की तरफ जाती है वो हमारा ये जो ओवर रिलायंस है स्पिरिचुअल ट्रूथ पे कि स्पिरिचुअली हम लोग सोचते हैं चीजें तो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की एक फिलोसफी हमें प्रोवाइड कर सकता है ताकि ठीक है uh, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जो है सोसाइटीज़ का वो आराम से हो सके इन कंक्लूजन द कॉन्फ्लिक्स बिटवीन वॉन्ट ऑफ मटीरियल वेल्थ एंड इंटरनल पीस ऑफ स्पिरिचुअल नेचर ठीक है अब ये वॉन्ट और इंटरनल पीस की बात कर रहा है बेसिकली इसके बीच में इस सारी चीज़ है। ये दोनों रिजोल्व कैसे हो सकती है बाय अडियरिंग टू अ फिलोसफी ठीक है एक ऐसी फिलोसफी की तरफ बढ़कर जिसमें ईस्टर्न विजडम भी हो जो डिफ्रेंशिएट करे नॉलेज को एज द एबिलिटी टू जज द ऑथेंटिसिटी ऑफ जो भी है ठीक है ईस्टर्न विजडम को और वेस्टर्न साइंस को जो एक ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी को बढ़ाए यहां पर लिख रहा हूं मैं दोबारा इस चीज को टर्म को याद रखिएगा टेंपरामेंट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी तो इन दोनों को अगर हम एक साथ हारमनी के अंदर ठीक है विद हारमनी अगर उसका कंसोलिडेशन करें तो दोनों सोसाइटीज में सबसे पहले एक तो जो ये डिवाइड है इट कैन गेट लेसेंड ये जो uh, एक डिफरेंट यू नो मेंटालिटी है इनके बीच में दैट कैन uh, जो सॉलिडिफाई हो चुकी है कि ये लोग तो ये नहीं है ये लोग तो वो नहीं है इसको धीरे धीरे कम किया जा सकता है और जो कनेक्टेडनेस है वो और बढ़ सकती है टू एक्चुअली अल्टीमेटली ठीक है अचीव द ग्लोबल विलेज द आइडिया ऑफ ग्लोबल विलेज ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को लेकर जाते हैं आई होप आपको समझ आया हो ठीक है ये मैंने एक्चुअली किया हुआ है डार्क मोड में बट बेसिकली दिस इज हाउ इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक तो आप आपको पीडीएफ में इशू नहीं होगा आपको ठीक है ये इसलिए किया था कि जब डार्क में रखते हैं पीडीएफ को बैकग्राउंड को तो उसमें डेटा कम यूज होता है और आपकी फाइल जो है छोटी बनती है लाइट में करेंगे तो ऑफकोर्स फाइल जो है बड़ी बनेगी अच्छा अब एक क्वेश्चन आता है जो कि मैं आपको दे रहा हूं बेसिकली ठीक है अब मैं बता रहा था आपको कि एक जगह से उठाया हुआ है दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्ट इन यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर पेपर है कि अर्जन तारापोर का ठीक है अब इसके अंदर क्या है बेसिकली अब इसको पढ़िएगा प्लीज मैं ये जो लिंक है ठीक है आप ये आ, इंडिया में ठीक है ये सर्च कर सकते हैं यू कैन एक्चुअली फाइंड इट क्वेश्चन था द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको कंफ्यूजन क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन था द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस प्लीज इसके पढ़िएगा इसको मैं देता हूं कहां तक पढ़ना है इट विल एक्चुअली हेल्प यू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन टाइमली एक्शन ये टॉपिक था जिसके ऊपर व्हेन आर टीम वॉज ब्रेन स्टॉमिंग तो हमें रियलाइज हुआ कि एक बहुत अच्छे तरीके से ये एक रिपोर्ट है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन को उठाया हुआ ऑफकोर्स आपको स्टेटमेंट भी मिलेगी आगे जाके और वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया हुआ तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं किस तरीके से जो हमारी स्ट्रेटेजी थी ठीक है कि धीरे-धीरे हमारे जो डिफेंस पॉलिसी है वो कैसे एक ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन से लेकर अगर आप देखेंगे बेसिकली कि 1965 1971 और 1962 में हमारी फिलॉसफी बहुत अलग थी धीरे-धीरे 1999 तक जाके वो चेंज हुई और आज बहुत ही अलग डिफेंसिव स्ट्रेटजी की तरफ है हम लोग पहले वी वर जस्ट ट्राइंग टू सेव आवरसेल्फ नाउ वी आर एक्चुअली रेडी टू गिव आंसर्स वो आप देख रहे हैं ये बेसिकली लिए किस लिए पूछा है बाला के लिए और उसके लिए जो इतने भी उरी स्ट्राइक हुई थी तो उसके लिए पूछ रहे हैं बेसिकली समझ तो आ रहा हो क्यों पूछ रहे हैं तो यहां समरी से लेकर आपको ये कहां तक पढ़ना है, क्या है यार? समरी से लेकर आपको इंट्रोडक्शन से पहले पहले तक ये वाला पार्ट पढ़ना है इसमें कुछ ये ये अच्छा ये आपको आज नहीं ये आपके नोट समझ लीजिए इनको ये आपको बहुत हेल्प करेंगे समझने के लिए कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस की जो टेक्निक्स रही है, रही हैं ये सब चीजें हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुई हैं और आज क्या टेक्निक्स टेक्निक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अफकोर्स इससे गो थ्रू कीजिएगा कहा से शुरू करना है समरी इस टाइटल से शुरू करके आपको थोड़ा सा नीचे जाके इंट्रोडक्शन से ऊपर ऊपर तक का सारा पढ़ना है पढ़िएगा एंड कुछ समझने वाली जरूरत नहीं है कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है लेकिन आपको फिलोसफी समझ आएगी फोर्सेस के के लिए लिए एग्जाम दे रहे हैं तो इससे आपको इंटरव्यू बहुत हेल्प होगी तो प्लीज पढ़िएगा हाँ, हाँ, जी, हाँ, जी, okay. तो आज खत्म करते हैं सेशन को ठीक है इट्स डन अच्छा आज ही शाम को थोड़ी देर बाद मैं YouTube का लिंक डाल दूंगा जिसके अंदर मैं क्लास YouTube पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप बाद में भी देख सकें स्ट्रीम करके इस वीडियो को प्राइवेट रहेगी डोंट वरी लिंक यूज करके आप देख सकते हैं दूसरा जो मैं फ्री कंटेंट की बात कर रहा था क्लास के स्टार्टिंग में उसकी अनाउंसमेंट होगी आज तो जो लोग भी हैं कोर्स के अंदर नहीं है ऑफकोर्स डोंट वरी वी हैव गॉट यू कवर्ड तो कोई भी इश्यू होता है अगर आपको नहीं कोर्स ज्वाइन करना है वो सब है तो फ्री कंटेंट अपने ही कोर्सेज में से ठीक है जो छोटे छोटे चीजें हैं ऑफ कोर्स पूरा तो नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन हाँ आपके एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प कर दे आपको वी कैन प्रोवाइड दैट ठीक है वो कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आप आराम से आंसर्स लिख के चेक कर सकते हैं अपना ठीक है तो ये सब प्रोवाइड किया जाएगा इसकी अनाउंसमेंट भी होगी YouTube पे कम्युनिटी उस पर भी डाला था मैंने तो ऑफ uh, थोड़ी देर बाद ही वो सारी डिटेल्स जो हैं वो धीरे चलती जाएंगी जिसका भी एनडीए का रिजल्ट आया और क्लियर हो गया है कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ द पीपल ठीक है तो यहाँ पे करते हैं सेशन खत्म और सॉरी मतलब तो रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं किसी को कोई को इशू है तो